तो हे गाइस एंड वेलकम टू दिस सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीट 2021 बायोलॉजी पेपर डिस्कशन में। तो पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, एनसीईआरटी का रेफरेंस ला करके आपको दिखाया जाएगा कि कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम हुए थे। मैंने पूरा साल आपको कहा था, बार बार कहा था कि एनसीईआरटी को एकदम से जड़ से पकड़िए, इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है गाइज। और मैं यहाँ पर अभी बॉटनी सेक्शंस को डिस्कस करूँगा और आपको एक एक क्वेश्चंस का प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी के ही पेजेस से क्वेश्चन पिक हुए हैं। तो जिन बच्चों ने बाहर से बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार करके हायर नॉलेज लेने की, गेन करने की कोशिश में एनसीईआरटी को मिस किया है, वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ज़रूर मिस कर गए होंगे पेपर में। और जिन बच्चों ने भी एनसीईआरटी को अपना बाइबल, कुरान, गीता, जो भी अपना सब कुछ मान करके चले होंगे, दे हैव रॉक्ड ऑब्वियसली, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन अभी आपको नजर आ जाएगा। पूरे सेशन में देखेंगे आप कि एनसीईआरटी के लाइन से डायरेक्ट पिक्ड अप था। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस हमने क्लासेस में भी डिस्कस काफ़ी अच्छे से किए थे, मॉक टेस्ट में भी इवन बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे, तो डायरेक्टली वो क्वेश्चंस पिकअप हुआ है। सो गाइज, अगर हम बात करें बॉटनी सेक्शन का, तो इस सेशन में हम लोग बॉटनी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो बॉटनी में आपका लगभग 50 क्वेश्चन थे, 50 में से आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस आपका 12 सेक्शन से था एंड 25 क्वेश्चंस आपके 11 सेक्शन थे। बहुत ही बेहतरीन बाइफर्केशन देखने को मिला, इक्वल बाइफर्केशन देखने को मिला। ये 25 25, यानी 25 क्वेश्चंस एक्चुअली आपके 12 के बॉटनी से थे और 25 क्वेश्चंस आपके 11 के बॉटनी से थे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बिना इधर उधर के बातें किए, चलो जो कुछ हुआ है, लेकिन आने वाले जो बैचेज हैं वो ध्यान से इस क्वेश्चन एनालिसिस को वो भी सुनेंगे, ताकि आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आ पाएगा कि क्वेश्चंस कहीं और से नहीं बल्कि एनसीईआरटी से आता है। मैंने पीवाईक्यू में भी कराते समय ये भी कहा था, क्वेश्चंस कहीं और से उड़ करके नहीं बल्कि एनसीईआरटी से आता है। और बार बार मैं पीवाईक्यू में आपको एनसीईआरटी रेफरेंस दे रहा था, ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि पिछले कई सालों से एनसीईआरटी के बुक से, एनसीईआरटी के पन्नों से ही क्वेश्चन आता है, इस बार भी एनसीईआरटी से ही आएगा, ये मेरा इशारा था आप तक और मैंने कई बार आपको कहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बॉटनी का, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब आपको यहाँ पे इनकरेक्ट पता करना था। तो देखो ऑप्शंस में क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, ठीक है, नंबर का जो पिरामिड होता है ग्रासलैंड सिस्टम में वो क्या होता है, अपराइट होता है। नंबर आपको यहाँ पूछा गया, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी लेवल इज इन्वर्टेड, ठीक है, और यहाँ अगले स्टेटमेंट में लिखा गया है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो आपको टिक लगाना ही था, तो 2 और 3 में ही लगाते, 1 और 4 तो ऑटोमेटिक कट हो गया, क्योंकि दो स्टेटमेंट अगर आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले ऑप्शन बन गए हैं तो जाहिर सी बात है उसमें से कोई एक ही सही होगा, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तो इसमें से आपके दो ऑप्शन तो ऐसे ही क्या कर दिया, आप डिसमिस आउट कर दिए हैं। तो पिरामिड ऑफ बायोमास, अब बता दो पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, ये आपको जनरली अपराइट होता है, जनरली कैसा होता है, अपराइट होता है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन होता है और ये होता है इन्वर्टेड, रियलिटी में कैसा होता है, ये इन्वर्टेड होता है। एनसीईआरटी में देखो साफ ढंग से लिखा हुआ, इकोसिस्टम चैप्टर जब पढ़ोगे आप तो वहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है कि देयर आर एक्सेप्शन ऑफ दिस जनरलाइजेशन, इफ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन अ बिग ट्री व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट। तो ये आपका जो है ट्री इकोसिस्टम के लिए भी पिरामिड आपका जो है एक्सेप्शंस के कंडीशन में था। इवन जो क्वेश्चन आया था यहाँ से आया था कि द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, देखो ये पूरा का पूरा लाइन एक तरह से कह सकते हो कॉपी कर दिया गया है, कॉपी एंड पेस्ट है, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। तो ये लाइन आप अभी जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, फुल्ली क्या है, कॉपी एंड पेस्ट है। तो बच्चा आप एनसीईआरटी की महिमा को, गरिमा को समझिए। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जितने अच्छे से पेपर डिस्कशन और एनालिसिस मैं आपको करके दे रहा हूँ, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ एनसीईआरटी का, बाकी के कहीं से भी आपने पेपर डिस्कशन किया होगा या सुना होगा, यू विल नॉट गेट सच टाइप ऑफ डिस्कशन, दैट माई सियोरिटी, बहुत सारे जगह बहुत कुछ आपको बोला जाएगा। बट गाइज, बी स्टिक टू दैट ऑफ एनसीईआरटी, केवल और केवल एनसीईआरटी पे ही चिपके रहें, किसी की भी बातों पर ना आए, नो एनी रेफरेंस, नो एनी काइंड ऑफ मॉड्यूल, नो एनी काइंड ऑफ नथिंग। जितनी बातें मैं एनसीईआरटी की कह रहा हूँ आपको,
क्लासेस में भी एनसीईआरटी की ही बातें मैं बताता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देना होता है हमें। ठीक है गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस, ये जो ये क्वेश्चन पता नहीं मैंने लगभग 10-15 बार जरूर कराया होगा, टेस्ट में भी बहुत बार दिया था, तो ये बार बार आपको मैंने बोला था मोनोसियस। अच्छा काइकस क्या होता है, काइकस में आपको बोला था कि ये काइकस जो होता है वो डायसियस होता है, काइकस कैसा होता है डायसियस होता है। और आपको मैंने ये भी बोला था कि कारा जो होता है, याद करो कारा में आपको है ना फीमेल एंड मेल्स पार्ट जो आपका सेक्स पार्ट है दैट इज अलग ढंग से उसका पोजीशन था, पोजीशन पे भी काफ़ी चर्चा किए थे हम लोग है ना, कि फीमेल पार्ट ऊपर होता है मेल पार्ट नीचे होता है, न्यूक्यूल हो गया है ना, याद करो बताए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो फीमेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन एनसीईआरटी से ही पूछा हुआ है, दोनों एक ही आपके प्लांट में दिख रहे हैं, दैट मीन्स ये मोनोसियस ही हुआ, तो क्वेश्चन तो यहीं से आया था। और आपको विश्वास नहीं अगर हो रहा है कि सर ऐसे कैसे, ये तो इनडायरेक्ट पूछ दिया गया था, डायरेक्ट तो लिखा नहीं है ना मोनोसियस आप कहोगे, बट आप ध्यान दो बच्चों यहीं पे नीचे डायग्राम में लिखा हुआ है मोनोसियस प्लांट कारा, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन पिकअप हुआ था, तो मोनोसियस प्लांट कारा लिख दिया गया है नीचे साफ तौर पे, एनसीईआरटी ने चिपका डाला यहाँ से क्वेश्चन। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होता तो ये सवाल आपकी झोली में गिर चुका होता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम। अब ये सवाल है कि सॉर्गम असल में कैसा प्लांट होता है, C3 या C4? तो आपको याद कराए थे हम सॉर्गम इज C4 प्लांट, सॉर्गम कैसा प्लांट है बच्चा, इट इज C4 प्लांट। अब C4 प्लांट है तो बट ऑब्वियस है कि इसका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, राइट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा। आप देख सकते हो एनसीईआरटी के रेफरेंस कर अगर हम लोग आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, दिस इज वेरी क्लियरली मेंशनड कि यहाँ पर देखो कि आपका फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन वाज अगेन एन ऑर्गेनिक एसिड बट वन हैज 4 कार्बन, एंड कितने कार्बन थे उसमें, 4 कार्बन थे, और उसको क्या नाम दिया गया था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये बहुत बार मैंने आपको क्लासेस में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी आगे आपका कंक्लूजन में लिखा हुआ था कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन C3 एसिड इज PGA है ना, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंड इन C3 पाथवे ये हो गया, एंड C4 पाथवे में आपको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हो गया। डन, डायरेक्ट है कि नहीं क्वेश्चन, आपको एकदम से समझ में आ रहा होगा, विजुअलाइज करिए फटाफट। अब यहाँ पे सोचने का अब समय नहीं है, आगे देखिए, केवल एनसीईआरटी को फोकस कीजिएगा। डायडल्फस स्टेमेन, ये काफ़ी बार सवाल आया हुआ है, फेबेसी प्लांट का फैमिली जब पढ़ा रहे थे वहाँ भी आपको मैंने बताया था 9+1 का जो ग्रुपिंग होता है, तो ये पी प्लांट में आपको देखने मिलेगा। एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये आंसर मेंशनड है, यहाँ से देखो एकदम चिपका दिया गया है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ बच्चों आप लोग के लिए ताकि आप देखो, और अभी भी अगर नहीं सचेत हुए हो एनसीईआरटी को लेके तो बी श्योर एंड गेट बैक टू योर रेस, डायडल्फस एज इन केस ऑफ पी प्लांट। ये एक मतलब कह सकते हो एक लाइन भी नहीं कहेंगे हम, चार वर्ड का ये आपको जो है चार नंबर दिला रहा है, समझ पा रहे होंगे एनसीईआरटी की आप महिमा को, ये चार वर्ड आपको चार नंबर दिला देता, राइट। तो ये थोड़ा भी अगर आप कॉन्शियस होके एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो ये सारे आंसर आपके सही हुए थे। सो DNA स्ट्रैंड ऑन अ जेल स्टैंड विथ इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड से हम लोगों ने स्टेनिंग किया था, याद होगा। सो इसमें जब हम लोग व्यू करते थे यूवी रेडिएशन के अंदर तो कैसा नजर आता था, इट वाज ब्राइट ऑरेंज बैंड, ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड था। डायरेक्टली पिकअप हुआ है क्वेश्चन, अगेन डायरेक्टली पिकअप है, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ DNA इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेंड जेल एल दैट इज एक्सपोज टू यूवी लाइट। तो पूरा का पूरा एकदम आपके आंखों के सामने ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कहीं और का रेफरेंस है, आप निकाल करके देख सकते हो बच्चा लोग, चैप्टर नंबर 11 निकाल लेना क्लास 12 का, एंड यू विल गेट दिस ऑल द थिंग्स क्लियरली ऑन योर बुक, ठीक है, ये चीज़ें आपको साफ साफ दिखाई पड़ जाएगी। तो क्वेश्चंस आपके कहीं और से उड़ करके नहीं बल्कि एनसीईआरटी से आता है। तो प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, तो इन पर भी हमने काफ़ी अच्छे से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ाया था आपको, वहाँ पे भी समझाया था कि प्लास्टिसिटी इसको बोलते हैं, ठीक है, दिस एबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर प्लांट टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्स टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, तो इसको हम स्ट्रक्चर वाइज जो वेरी करता है उसमें प्लास्टिसिटी कहते हैं। ये आप देख लीजिए बच्चा, यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द एबिलिटी दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा लाइन यहाँ पे चिपकाया हुआ है, ये पूरा का पूरा लाइन चिपकाया हुआ है,
प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। देखो यहाँ टू फॉर्म्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ये फुल लाइन को चिपका दिया एज द होल सेम टू सेम विदाउट एनी काइंड ऑफ ए डिफरेंस। इन्वायरमेंट और फेजेज ऑफ लाइफ, यहाँ भी देखो इन्वायरमेंट ऑफ फेजेज ऑफ लाइफ, मतलब और को भी नहीं छोड़ा, कॉमा भी अगर होता तो वो भी डाल दिया जाता। तो एक तरह से आप समझ सकते हो एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन बिल्ड हो जाता है। आप अगर पढ़े होंगे तो आपका एकदम से छूटने वाला है ही नहीं, मान के चलो एकदम आपका एनसीईआरटी फुल बेस्ड होता है क्वेश्चन। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको मैं दिखाता हूँ क्या हो गया कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का क्या था बच्चा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन पढ़े थे आप टोमेटो, याद करो मैंने बोला था प्रोटोप्लास्ट जब फ्यूज करता है टोमेटो और पोटैटो का तो बनता है टोमेटो। प्लांट टिश्यू कल्चर बहुत ही फेमस है, प्लांट टिश्यू कल्चर, यस प्लांट टिश्यू कल्चर में होता है टोटिपोटेंसी की पावर की एक पर्टिकुलर सेल जो है विल गिव राइज टू द होल प्लांट। मेरिस्टेम कल्चर हम लोग करते हैं ताकि ऐसा प्लांट हमें मिल सके जो वायरस फ्री प्लांट हो, वायरस फ्री प्लांट के लिए हम चाहते हैं दैट इज मेरिस्टेम कल्चर, क्योंकि वो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग होता है इन नेचर, है ना। माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए भी आपको बताया हुआ है सोमा क्लोन्स, अगर याद ना हो ठीक है, अभी अभी एग्जाम देके आया हो सकता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा घबराहट में भूल चुके हो, तो एक बार फिर से मैं रेफरेंस करा देता हूँ एनसीईआरटी का ताकि अब बच्चों को ये समझ में आ सके। देखो माइक्रो प्रोपोगेशंस के लिए मैंने जब आपको पढ़ाया था तो यहाँ पे सोमा क्लोन्स के बारे में भी बताया था कि जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट होते हैं। मेरिस्टेम के लिए भी साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है मेरिस्टेम के लिए कि फ्री ऑफ वायरस, ये कैसा होता है फ्री ऑफ वायरस होता है। तो आपको यहाँ देख सकते हो दिस इज नथिंग बट एनसीईआरटी, कुछ भी और अलग से नहीं है। आप एनसीईआरटी अगर जानते हो पढ़ते हो चुपचाप से उसको अगर आपने आत्मसात किया है देन इट विल बी ऑलवेज योर्स, आपका हर क्वेश्चन आप ही का होगा। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पर भी मैंने आपको दिखाई देता हूँ, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पर भी जो आप अभी एग्जाम्पल टिक करके पीछे ऑप्शन में आए हो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ टोमेटो, तो ये जो आपका टोमेटो को फ्यूज किया गया था पोटैटो से, ठीक है टोमेटो को फ्यूज किया गया था पोटैटो से राइट, तो ये चीज़ें आप पढ़ाए थे क्लास लेते वक्त भी, है ना, अगर आप ध्यान दिए थे तो बेहतर ढंग से आप सही करके आए होंगे बट ऑब्वियस है। सो गाइज मूविंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो टोमेटो वाली बात मैं ढूंढ रहा था, सो ये टोमेटो वर्ड आपको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में मिलेगा, मैचिंग था बहुत ईजी। मैं हमेशा बोलता हूँ मैचिंग जब भी आता है तो एक तरह से क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है बिकॉज उसमें से एक भी अगर आता है आपको तो आप बहुत हद तक ऑप्शन के सामने पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इस इक्वेशन में बात करें तो इस इक्वेशन में आर आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, कितनी बार आपको बताया था, ठीक है कितनी बार ये समझ लो, एक बार हम लोगों ने एक तो डिस्कस करते वक्त चैप्टर करते वक्त इवन मॉक टेस्ट में अभी आपको मैंने क्लियरली ये चीज़ों को समझा रखा है। तो ये आप यहाँ पे मिल जाएगा इको सिस्टम में, ये देखो टॉपिक में साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम लोग जब रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस करते हैं तो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आता है। यही क्वेश्चन था कि नहीं, जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी, जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी, तो रेस्पिरेटरी लॉस यही पूछा था आपसे कि आर क्या होता है, आर इज रेस्पिरेटरी लॉस, डन बच्चा लोग। सो इट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत ईजी था, द प्रोडक्शन ऑफ गैमिट बाई द पेरेंट, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट्स या एफ वन एफ टू प्लांट, जिसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखो ऐसे करते थे, याद करो ऐसे कुछ डायग्राम्स हम लोग बनाया करते थे, है ना। यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते थे, ऐसे यहाँ पे हम लोग करते थे कि इधर मेल हो गया इधर फीमेल हो गया ऐसे, है ना, और इधर यहाँ पे पी यहाँ पे ऐसे लिखते थे क्यू, ऐसा कुछ हम लोग यहाँ करते थे राइट, ऐसा आप लोग देखते थे। इसको क्या बोलते थे, कौन सा स्क्वायर बोलते थे, इसको कौन सा स्क्वायर बोलते थे बच्चा, इसको बोलते थे प्यूनेट स्क्वायर, क्या बोलते थे बच्चा प्यूनेट स्क्वायर, इसमें भी कोई डाउट सब लोगों ने किया था प्यूनेट स्क्वायर, सो राइट आंसर प्यूनेट स्क्वायर है। एंड यू कैन सी फ्रॉम एनसीईआरटी दिस वाज आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी एंड इवन सेम टू सेम पूरा का पूरा लाइन कॉपी था कि द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय पेरेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट्स एफ वन एफ टू प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड प्यूनेट स्क्वायर। आप देखो ये लाइन देखो, अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम, देखो अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम, कैन यू सी द लाइन्स, इट इज जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, इट इज जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, नो वन हैव जस्ट ट्राई टू चेंज द लैंग्वेज इवन, सो इट इज़ वेरी ईजी बच्चा। अगर आप पूरा का पूरा एनसीईआरटी मेमोराइज कर रहे हो एकदम से रट जाओ बच्चा, मैं तो कहता हूँ आपको जब लाइन टू लाइन सेम आ रहा है तो आप कह सकते हो कि अगर कुछ भी नहीं आता है, अगर समझ में नहीं आता है मान लो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन में कहूँगा कि आपके ब्लड में सर्कुलेट होना चाहिए। मैं बार बार आपको इस बात के बारे में बोला हूँ
दैट एनसीईआरटी लाइंस मस्ट सर्कुलेट इनसाइड योर ब्लड वेसल्स, राइट। सो आपको ये अब समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस। अभी भी जाग जाओ, अभी भी समय है आपके पास, काफी समय है, एक साल अभी और लगा सकते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से गलत कौन सा है। तो आप देखो स्टेटमेंट्स को पढ़ करके आपको अपने आप समझ में आ जाएगा गलत कौन सा है। कि न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज अ पैसेज फॉर प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये क्या दोनों डायरेक्शंस में आपको आराम से पैसेज देता है? तो अगर इसमें भी डाउट लगता है फिर भी आगे बढ़ते चले जाओ, है ना, रुको नहीं। अगला क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा। देखो मैच्योर सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स पोजेस कॉन्सिपिकुअस न्यूक्लियस, इसमें तो असल में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, सीव ट्यूब्स न्यूक्लियस नहीं रखता। फिर ये अगर न्यूक्लियस होता तो ये कंपेनियन सेल के साथ क्यों रहता? बात समझ में आ रही है? तो आपको इनकरेक्ट यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया कि मैच्योर सीव ट्यूब्स ने कहा कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस होगा, दैट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। आगे फिलहाल माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, द पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल बिटवीन प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये बैरियर के बना रूप में तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी से था कि मैच्योर सीव ट्यूब्स में लिख दिया जो इनकॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस होता है। तो आप यहाँ देखो बच्चा कि जो आपको सीव ट्यूब है ना, तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं एक्चुअली दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, दे लैक न्यूक्लियस। यहाँ लिखा हुआ लैक ए न्यूक्लियस, यहाँ पे देखो सीव ट्यूब एलिमेंट्स लैक ए न्यूक्लियस, राइट। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो ये आपका फिर कंपेनियन सेल विल हेल्प इन मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब को मदद करता है कंपेनियन, दैट इज द थिंग। बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको एनाटॉमी, काफी डिटेल से पढ़ाया था। तो यहाँ पे मैचिंग कर लो, बहुत ही आसान। देखो मैचिंग जब भी आता है तो आप बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज एक भी अगर क्वेश्चन आता है यू कैन इजिली गेट टू द रीच ऑफ आंसर। तो लेंटिसल्स तो सबको पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक आ जाएगा थ्री। अब देखो एक आ थ्री मुझे अगर पता है तो सिंपली हम लोग डायरेक्ट आंसर टिक लगा सकते हैं। केवल मुझे एक ही ऑप्शन मान लो आता था और बाकी कुछ नहीं आता, ठीक है, मान लेते हैं कुछ नहीं आता, तो फिर भी मुझे राइट आंसर मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो कितना इजी आराम से आपके लिए क्वेश्चन बनाया जा रहा है इस तरह से। तो अब देखो फिर भी कॉर्क कैम्बियम का क्या हो जाएगा, कॉर्क कैम्बियम फेलोजेन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का क्या हो जाएगा, फेलोडर्म हो जाएगा। एंड कॉर्क का क्या हो जाएगा, कॉर्क का हो जाएगा सुबेराइन डिपोजिशन, कॉर्क का क्या हो जाएगा सुबेराइन डिपोजिशन। तो ये यहाँ से आया हुआ पैराग्राफ, देखो कॉर्क कैम्बियम सिक्स नंबर चैप्टर निकाल लेना एनाटॉमी वाला। तो देखो कॉर्क को बोलते हैं फेलिम, ठीक है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को पूछा था आपको फेलोडर्म, यही पूछा था। एंड कॉर्क कैम्बियम को पूछा था फेलोजेन। और ये मैंने कितनी बार मॉक टेस्ट में भी दिया है, ना जाने कितनी बार आपको तैयारी भी करवाते समय हर बार आपको ये नोमेनक्लेचर याद करवाया है इस तरह से कि बच्चा आप याद रखना, कॉर्क कैम्बियम को फेलोजेन बोलते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडर्म बोलते हैं, इवन आपको ये कॉर्क को बोला था फेलिम बोलते हैं, और तीनों को मिला कर कलेक्टिवली हम लोग पेरिडर्म बोलते हैं। इन चीज़ों पर कितनी बार मैंने क्लासेस में बात कही है। लेंटी सेल्स भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का पार्ट था। तो लेंटी सेल्स विल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये डायरेक्ट लाइन आया हुआ है लेंटी सेल्स का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला लाइन डायरेक्ट पिक्ड अप है, यू कैन सी इन द ऑप्शन बैक ऑफ द ऑप्शन। तो पीछे हमने डिस्कस कर लिया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग स्टेट, हम उसे क्या कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। ये भी लाइन आप देख लो, अभी लाइन पढ़ लो आप। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड कैल्शियम दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे आ जाओ एनसीईआरटी में आ जाओ बालक, यहाँ पे देखो कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड कैल्शियम द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन सच एज, क्या कुछ समझ आ रहा है? बत्ती जल रही है अब, घंटी बजी दिमाग की। भाई मैं आपको इतनी बार दिखाने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि दैट मीन्स क्लियर कट स्टेटमेंट यही मेरी तरफ से है कि कॉपी एंड पेस्ट, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, कॉपी पेस्ट। बात समझ आ गई? क्या होता है नीट का बायो का पेपर कैसा होता है, इट इज ऑल डिकोडेड हेयर इन दिस सेशन। आई गारंटीड कि आपको इस तरह का सेशन ऑल ओवर द यूट्यूब उठा के आप देख लो, रेफरेंस के तौर पे इतना क्लियर कट डिसीजन मेकिंग और इतने अच्छे से रेफरेंस देने के लिए कोई भी सेशन अवेलेबल आपके लिए नहीं होगा, इट इज़ माय गारंटी बच्चा। काफ़ी जगह पे जो है बहुत सब कुछ तरह तरह की बातें हैं, बट आई हैव टोल्ड यू अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स दैट जस्ट स्टिक टू द एनसीईआरटी, नो नीड टू वरी एट ऑल। आपको एक्स्ट्रा कोई बच्चा पढ़ करके आपके सामने ज्ञान झाड़ रहा है, आप उसे प्रणाम करें और कहें कि हम एनसीईआरटी से ही संतुष्ट ही नहीं बहुत बहुत खुश भी है ना।
तो ये चीज आपके अंदर में जब तक नहीं आएगी, आप अगर उड़ते हुए ख्वाबों में जियोगे तब तक आप एनसीईआरटी में नहीं गिर पाओगे। नेक्स्ट है कि द टर्म यूज टू ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, देख सकते हो डिफरेंट प्लांट ड्यूरिंग पॉलिनेशन एंड जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन, दैट इज वेरी श्योर कि आप जीनोगैमी लगाए हुए होंगे, ठीक, दैट इज ऑल्सो द राइट आंसर। अगेन एनसीईआरटी सेम टू सेम फुल्ली कॉपीड, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन ड्यूरिंग पॉलिनेशन brings genetically different types, लिखा भी है genetically different types of pollen grain to the stigma. So it is well written in the NCERT as well. Even कह सकते हो कि NCERT में written क्या है, जो question में written है वही NCERT से लिया गया है। Next question बच्चा लोग, next question पे आ जाओ। Which of the following state of meiosis involves division of centromere? Centromere का आपको splitting जो मिला था देखने के लिए वो anaphase 2 में मिला था। Anaphase 2 में directly यहाँ पे lines है NCERT में, you can see बालक that anaphase 2, यहाँ देखो there is splitting of centromere, right? So this was also again from NCERT. Next question, this is easy, very easy. I have told you to remember this question as well. Correct sequence of steps in PCR, so आप जानते हो DAE, denaturation, annealing and extension. So आप यहाँ step wise देख सकते हो, that is from chapter 11, आप निकाल के देख लेना, denaturation, annealing and extension. ये पूरा का पूरा बार बार मैं बोला था कि आप सीक्वेंस में याद रखना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं इधर उधर करते हैं, देन इट बिकम्स वेरी रॉन्ग। सो नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कहाँ से पिक हुआ है मैं बताऊंगा आपको। व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्पलीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज इट इज नोन एज, तो बच्चा लोग ये जानते हो आप, जैसे ही ट्रीटमेंट का बात आता है तो उसे हम थेरेपी बोल सकते हैं, थेरेपी से आप कनेक्ट कर सकते थे चीज़ों को, ट्रीटमेंट इज रिलेटेड टू थेरेपी। तो जीन थेरेपी होता है, दैट मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, जीन को टारगेट करते हैं, अर्ली एज में टारगेट करते हैं, और यहाँ पे हम उसे जीन को डिफॉल्ट जो जीन है उसे हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन मालूम है कहाँ से आया था, ये क्वेश्चन आया था समरी से। देखो यहाँ पे समरी में ये वाला नीचे का जो है सेकेंड लास्ट पैराग्राफ एक बार रेफर करना, ठीक है, जीन थेरेपी वाला। यहाँ पे देखो, इट इज द इंसर्शन ऑफ जीन इन टू द इंडिविजुअल सेल एंड सो टू ट्रीट द डिजीज, लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक की समझ में आ गया होगा कि एक एक पन्ना, एक एक चैप्टर, एक एक लाइन, एक एक समरी वर्ड भी इम्पोर्टेंट है। आ गया समझ में, समरी का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है बच्चा, इसलिए मैं समरी का भी कभी कभी टॉपिक जरूर पढ़ाता हूँ। मैं जब साइंटिस्ट के टॉपिक्स को पढ़ाता था तो बच्चे कहते थे साइंटिस्ट पे तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं आता, बट क्वेश्चन बच्चा कहाँ से आएगा एनसीईआरटी, तो हमें एक एक वर्ड एक एक लाइन तक पूरा का पूरा कन्फर्मेशन के साथ कंप्लीट करना चाहिए, फुल प्रूफ बिल्ट होना चाहिए हमें, ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक एक लाइन करवाया रखा था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रिस्टेरियन क्रिस्टर्ना, इस पर हम लोगों ने कितना अच्छे से बोलो क्लास में आपको समझाए थे कि सिस्टर्नी जो होता है बच्चा वो गोल्गी बॉडी में मिलेगा, सिस्टर्नी किस में मिलेगा, गोल्गी बॉडी में मिलेगा, क्रिस्टी किस में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, कितने बार बोला था बताओ, ये क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया सिस्टर्नी अगर गोल्गी बॉडी लगा देते ए का थ्री आपको देखो केवल इसी में है, फोर्थ ऑप्शन को टिक लगा लेते आप, अगला दो तो आपको पता भी नहीं है फिर भी चल जा रहा है ना, थैलाक्वाइड आप फिर भी जानते हो, थैलाक्वाइड किस में होता है आपको, थैलाक्वाइड बताओ किस में होता है, इट इज जस्ट फ्लैटेंड स्ट्रक्चर सैक ऑफ सैक फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन द स्ट्रोमा प्लास्टिक, मारोगे फोर्थ सेंट्रोमियर, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो सी का वन राइट आंसर जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। ये देखो फिगर से आप समझो, यहाँ पे फिगर से ये सिस्टर्नी किस में होता है बच्चा, गोल्गी बॉडी में होता है, क्रिस्टा किस में होता है, डेट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टा किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था, आप बच्चों लोगों ने काफ़ी कन्फ्यूज भी होते थे क्लासेस के दौरान भी, इस पर मैंने बार बार इंफेसिस लगा लगा कर बताया था, आप पढ़ो क्रिस्टा पढ़ो सिस्टर नहीं पढ़ो, दोनों में काफ़ी मिलता जुलता वर्ड है, कन्फ्यूज करोगे मैंने आपको कितनी बार बोला था। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, दैट ऑफ द फैक्टर लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट, तो फाउंडर इफेक्ट याद करो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से होता था, तो फाउंडर इफेक्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से होता था, मेरी बात को मत मानो एनसीईआरटी की बात तो मानोगे ना, तो फाउंडर इफेक्ट आप यहाँ देख रहे हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट आप देख रहे हो, आंखों के सामने आपका राइट आंसर मिल जा रहा है। तो एनसीईआरटी बच्चा है, एनसीईआरटी बस एक वर्ड कहना चाहेंगे एनसीईआरटी, और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आप बिल्कुल समझदार हो, आपसे ज़्यादा कोई समझदार है नहीं यहाँ पर,
तो बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है जो आलतू फालतू चीजों को पढ़ा रहे हैं कि आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ उस चक्कर में मत पढ़ो। सो वेन दी सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन मिडिल ऑफ द टू, यानी कि जब हमारा सेंट्रोमियर एकदम एग्जैक्ट मिडिल में होगा तो इक्वल हमारा आर्म्स बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक। से सवाल आ गया, मेटासेंट्रिक बोलते हैं इक्वल वाला पोर्शन को, इक्वल वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं बच्चा, मेटासेंट्रिक। देखो मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम मिला, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8, चले जाइए चैप्टर नंबर 8 पे आपको मिल जाएगा, एकदम आखिरी आखिरी जब चैप्टर कंप्लीट होता चला जाएगा तो वहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीमाई, गीमाई के लिए कितने बार बताया, तो बच्चा मल्टी सेलुलर एक सेक्सुअल पोर्शन होता है ना, मार्सेंटिया में पाया जाता है, सम लिवर वॉट, तो मार्सेंटिया लिवर वॉट का ही टाइप है ना, यहाँ पे देख सकते हो। कुछ चमका बच्चा, कुछ चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, दिमाग की बत्ती जल रही है या नहीं जल रही है, या अभी भी फ्यूज्ड बैठे हो। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल क्यों देते थे बच्चा, ताकि हमारा डीएनए क्या हो जाए, प्रेसिपिटेट हो जाए। डीएनए इज द राइट आंसर, बच्चों ने मारा होगा ठीक, मुझे पता है क्योंकि ये पढ़ा था आपने। ये चिल्ड इथेनॉल वाला पोर्शन देखो यहाँ पर है, चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल क्यों देते हैं, तो प्यूरिफाइड डीएनए को हम क्या करना चाहते हैं, प्रेसिपिटेट आउट करना चाहते हैं, इस वजह से प्यूरिफाइड डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट करना चाहते हैं इस वजह से। तो ये आपके लिए वरदान साबित हो रहा है ये सेशन, काफ़ी ज़्यादा आँखों से आपकी जो मतलब कि कह सकते हो धोखे की पट्टी जो बंधी हुई है, दैट इज उसे उतारने की कोशिश की जा रही है, बार बार आपको दिखाया जा रहा है कि एनसीईआरटी को पकड़ो बच्चा, एनसीईआरटी। कोहेशन, एडेशन, सरफेस टेंशन, ये तीनों का तीनों फैक्टर एक ही लाइन पर दिखा हुआ था, याद करना। तो कोहेशन मैंने बताया था, दैट इज द टाइप ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर टाइप्स ऑफ, कोई भी तरह का सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उसके बीच में अट्रैक्शन लग रहा होगा, उसको कोहेशन बोलते हैं सिंपली हम। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल वाला मारना चाहिए था आपको, एक आ जाता है टू, एडिशन जाता क्या कि एक आपको दूसरा पार्टिकल है, दूसरा दूसरा पार्टिकल है, तो मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज या अट्रैक्शन टुवर्ड द पोलर सर्फेस, बताओ ये जाएगा आपको बी का कितना चला जाएगा, 4 नंबर जाएगा, और सर्फेस टेंशन का जाएगा आपको मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, सी ऑप्शन है ना, ये थर्ड बोल दो। और गटेशन क्या होता है, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, ये बार बार आपको समझाया हुआ गटेशन क्या होता है, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, ये ऑप्शन डी चला गया। तो राइट आंसर क्या चलाएगा, ऑप्शन टू, राइट आंसर विल बी ऑप्शन टू। ये देखो एनसीईआरटी का डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में आपको कोहेशन, एडेशन और सरफेस टेंशन तीनों एक ही जगह साथ में लिया हुआ है, साथ में दिया हुआ था, ठीक है, हम साथ साथ हैं, और वहीं से सवाल आ गया था। ये क्वेश्चन इस तरह का मैंने बार बार आपको कराया सेशन, जब प्रीवियस ईयर करवाया था उसमें भी बताया था, एंड जब मॉक टेस्ट लगवाया था उसमें भी। तो गटेशन में आप देखो, इट इज वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, डायरेक्ट पूछ दिया बच्चा, डायरेक्ट हाईलाइट कर देता हूँ मैं, डायरेक्ट वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, यही वाला लाइन था ना पीछे, इट इज कॉल्ड गटेशन। समझ पा रहे हो आप, इजी है ना क्वेश्चन, अब तो आ रहा होगा एनसीईआरटी से भरोसा। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग फोटो पीरियडिज्म, तो ये तो सवाल मैंने मॉक टेस्ट में कितने बार दिया, तो बच्चा आप जानते हो इट इज द नथिंग बट लीव्स, राइट। तो साइट ऑफ परसेप्शन जो होता है आपका फोटो पीरियडिज्म का, वो कहाँ होता है, लीफ में होता है। Here it is also given in NCERT, you can see that site of perception, देखो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, site of perception of dark and light duration are the leaves, यही तो पूछा था आपसे, एक लाइन आपको चार नंबर दिला सकता था, this one line can provide you 4 marks, otherwise अगर गलत करके आया हो तो फिर आप NCERT नहीं पढ़े थे, इसमें इसका मतलब ये है। चलो, द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय द वीड्स, ये भी कराया हुआ है काफ़ी बार, तो वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए 2,4-D देते थे, भूल मत जाना यारा, भूल मत जाना मेरी क्लास का कहानी। सो 2,4-D आपको मैंने यहाँ बताया था, इट इज वाइडली यूज एज हर्बिसाइड्स, मतलब क्या होता है बच्चा, हर्बिसाइड्स का मतलब टू किल द डाइकोटिलेडनस वीड्स, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स जब पढ़ोगे ऑक्सीजन का, आप लास्ट पैरा पे चले जाओ, वहाँ आपको मिल जाएगा ये लाइन जहाँ से क्वेश्चन ये बिल्डअप हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस काराजिन, तो मैंने बार बार ये कहा था काराजीन, दैट इज बोला था रेड एल्गी, याद रखो, और ये भी बोला था एल्जीन, एल्जीन में याद रखना ब्राउन एल्गी, ये बोला था कि नहीं बोला था, तो काराजीन पूछ दिया, बोलो रेड एल्गी टिक लगा के सब लोग आए हो ना, दैट इज द राइट आंसर, रेड एल्गी इज द राइट आंसर, अदरवाइज देख लो एक बार।
काराजिन रेड एल्गी और एल्जिन ब्राउन एल्गी। बोलो ये एक दो तीन, तीन वर्ड आपको चार लाइन दिला रहा है, चार नंबर दिला रहा है, काराजिन रेड एल्गी ब्रैकेट में लिखा हुआ। अगर आप देखे होंगे इस तरह के लाइन्स को एनसीईआरटी में, बहुत सही बहुत सही, फिर आप तो सही करके आए होंगे। देखो ये सवाल थोड़ा सा धुंधलापन दिख रहा है, लेकिन ऐसे आपको याद पूरा होगा, इसलिए आपको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन आप ध्यान दो, सेंट्रल डॉगमा का ये क्वेश्चन आ गया था। तो यहाँ पे अगर इसको हम डीएनए पे फिर वापस जा रहे हैं, इसका मतलब बट ऑब्वियस हम क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेशन। तो फर्स्ट तो रेप्लिकेशन जाएगा, डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन ही भैया, इसको तो कोई भी बोलेगा। फिर आपका सी जो पोर्शन है एमआरएनए से जो आगे बढ़ रहे हैं वाला प्रोसेस, वो ट्रांसलेशन कहलाता है। और डी में बनता क्या है, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जाएगा, यहाँ पे ये सही जाएगा। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से फिगर उठा करके आपको छाप दिया गया था। ये देखो यहाँ पर इसको ये पूरा का पूरा हाईलाइट करते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ देखो है ना, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो फिर आपका डीएनए का कॉपी, एंड देन इट विल मूव टू ट्रांसक्रिप्शन तो एमआरएनए, फिर आपका एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। और ये पिछले बार कई बार पूछा गया, पीवाईक्यूज कराते समय भी आपको मैंने ये बताया था। चलो ये वाले सवाल तो बहुत आए हुए हैं इस बार, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे दो दो क्वेश्चन आ गया इस बार मैंने देखा है। तो यहाँ पे पूछा है नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में नहीं है, तो टेबल याद करना बच्चा, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में एक टेबल दिया हुआ है, उसी से आपका ये सवाल दिया हुआ है। ये टेबल आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसमें आपको देखो मॉर्फिन कोडीन रिसिन एब्रीन कॉनकानविल कॉनकानविल है ना, और लेक्टिन आपको सब इसमें आ जाता है, सभी के सभी इसमें आते हैं। तो यहाँ राइट आपको आंसर जाएगा अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो नहीं है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये नहीं है, इसका फंक्शन नोन है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज इज द राइट आंसर, यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ये कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं बालक। इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर विच मैकेनिज्म द कॉम्पिटिंग स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व फॉर देयर सर्वाइवल। तो आपने याद करो पढ़ा होगा इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस, वहाँ पे क्या होता था, रिसोर्स पार्शनिंग होता था, रिसोर्स पार्शनिंग। सो यहाँ देखो आप गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यहाँ देखो गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यहाँ पे आपको बताया गया था रिसोर्स पार्शनिंग, रिसोर्स पार्शनिंग याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है कुछ, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में बताए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप डायरेक्ट यहाँ से उठा लिया गया सवाल, ये चीजें यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था। अगला देखो फटाफट करते हैं, अगला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्प्लीफिकेशन एप्लीकेशन सॉरी नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, तो पीसीआर का इसमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशंस बिल्कुल है, मॉलिकुलर डायग्नोसिस है, जीन एम्प्लीफिकेशन तो बिल्कुल प्राइम है, ये प्योरिफिकेशन एज सच इसका नहीं होता, प्रोटीन का प्योरिफिकेशन के लिए पीसीआर तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया था, क्या सर आप बोलेंगे ये तो सर एनसीईआरटी से नहीं होगा, बट ये भी एनसीईआरटी से है। यहाँ इस पैराग्राफ को देखो, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया वायरस इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड अ डिजीज सिम्टम, बाय दिस टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी, हाउएवर वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस एट द टाइम ऑफ सिम्टम ऑफ द डिजीज आर नॉट येट विजिबल, दैट कैन बी डिटेक्टेड बाई एम्पलीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाई पी सी आर। एम्पलीफिकेशन सला मिल गया, आगे पढ़ो अभी सब मिल जाएगा। कैन यू एक्सप्लेन हाउ द पी सी आर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डी एन ए, पी सी आर इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एच आई वी ऑल्सो इन एड्स पेशेंट, लिखा हुआ है। तो इट इज ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन द जीन, ये भी लिखा हुआ है, एंड सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, इट इज पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर, सब कुछ लिखा हुआ है। बट इसमें कहीं लिखा हुआ आपको मिला क्या प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, नहीं मिला। तो राइट आंसर आपको पीछे क्या गया था कि उसका फंक्शन कौन सा नहीं है, दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, उसका फंक्शन नहीं होता है। ये सवाल पे आ जाओ जल्दी से, ये देखो क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छा था कि सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी क्या होगा बच्चा, अंधा भी टिक मारेगा इसका ऑप्शन ए मेरिस्टमैटिक, क्या जाएगा इसका मेरिस्टमैटिक, ए का चला गया टू। अब देखो यहाँ पे ए का टू में आपको केवल एक ही ऑप्शन है, कितना काम ईजी है बताओ, एक ही ऑप्शन था केवल, नहीं कुछ आता है फिर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता। टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं, सिंपल सेल्स बोलते हैं, सिंपल टिश्यूज। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स अगर हैं तो आप उसको क्या बोलोगे, कंपाउंड, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, डेट इज वास्कुलर टिश्यू। डेड सेल्स विथ हाईली थिकेंड वॉल नैरो ल्यूमेन स्क्लेरिट्स बोलते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी से अगर हम देखें रेफरेंस के तौर पे, तो यहाँ पे स्क्लेरिट्स में लिखा हुआ है हाईली थिकेंड डेड सेल नैरो कैविटी,
मेरिस्टमैटिक के लिए लिखा हुआ है, देखो दैट इज स्पेशलाइज रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन होता है, साफ साफ लिखा हुआ है, दर्ज है बिल्कुल एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक इट इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, होगा कि नहीं? 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, कितनी बार कराया हुआ ये क्वेश्चन है बताओ मुझे, ईमानदारी से बताओ कितने बार कराया मैंने। लगभग कहोगे सर 50 टाइम्स तो जरूर कराएंगे। यहाँ पे देखो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड, ये देख रहे हो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, एनसीईआरटी से फुल्ली 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 पिकअप कर दिया गया था। तो टिपिकल एम्ब्रायो सैक देखो लिखा हुआ, टिपिकल एम्ब्रायो सैक एट मैच्योरिटी, टिपिकल एम्ब्रायो सैक एट मैच्योरिटी, भैया एकदम फुल्ली कॉपी पेस्ट है, फुल्ली कॉपी पेस्ट है। थैंक गॉड इसने ये नहीं लिखा, क्या था दौ दौ कम से कम छोड़ दिया, चलो वेरी गुड, दौ कम से कम यहाँ पे ऑमिट किया गया है, बात मान लो मेरी। आज एनसीईआरटी के 2 कॉपी को अच्छे से नए वाले मंगवा लेना, ठीक है, हो सकता है रंग रंग के वो हाईलाइट कर करके पुराना हो चुका हो, नए मंगवा दो एनसीईआरटी एकदम फ्रेश। दूसरे तीसरे किताबों को पढ़ना बंद करो, क्लासेस अटेंड करो भाई, मैं एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी चलता हूँ, लाइन टू लाइन चलता हूँ, याद करवा दूंगा सारे एनसीईआरटी के लाइन। क्लासेस अटेंड करना रेगुलर, दैट विल बी वेरी 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 बेनिफिशियल टू यू फॉर नीट 2022। सो गाइज बी श्योर कि आप एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहें आगे से। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी विल बी हैविंग कंटेंट मैनीटॉल, तो मैनीटॉल किस में होता था याद करो, ब्राउन एल्गी में, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी फियोफाइसिस का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो बच्चा, ये देखो ब्राउन एल्गी में आपको फियोफाइसिस में यहाँ पे एक्टोकार्पस मिल जाएगा, और यहाँ पे मैनीटॉल वाला चार्ट देखो, स्टोर्ड फूड फियोफाइसिस मैनीटॉल लैमिनरिन एंड मैनीटॉल, याद आया कुछ? तो कनेक्शन करते हुए ये क्वेश्चन बना सकते थे आप, बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काफी बार हुआ है भाई, तो लगता है कितने बार बताया था। जनरल एक्सेला जिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, 2 तरह के स्पोर्ट्स बनाते हैं, दैट इज वेरी इजी, हेटरोस्पोरस बोलते हैं इसे। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का रेफरेंस साफ साफ लिखा भी हुआ है, इट इज हेटरोस्पोरस, किसमें होता है? सेला जिनेला साल्विनिया, 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करता है, एक बड़ा एक छोटा, दैट इज मैक्रो एंड माइक्रो, लार्ज एंड स्मॉल, वेरी इजी। नेक्स्ट इज म्यूटेशन इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय, तो म्यूटेशन हम प्लांट सेल में इंड्यूस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ गामा रे, ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी से पिक्ड अप है। यहाँ पे आप इसको निकालिएगा, स्ट्रेटजीज इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, वहाँ पे आप देखिएगा तो आपको मिलेगा म्यूटेशन ब्रीडिंग, जब पढ़ाया था आपको म्यूटेशन की तरह, तो यहाँ पे देखो गामा रेडिएशन वाला बात लिखा हुआ था, रेडिएशन में एग्जाम्पल ही लिखा हुआ था गामा रेडिएशन, मिल गया, डन बच्चा। तो ये डायरेक्ट आंसर मिल रहा है आपको एनसीईआरटी से। अमेंसलिजम सबको आता है, इट इज एक स्पीसीज, क्या होगा? हार्म होगा दूसरे को, कोई नुकसान नहीं, माइनस एंड जीरो, यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो बालक, सबसे आखिरी में टेबल में बनाया हुआ है, तो यहाँ पे देखो सबसे आखिरी में अमेंसलिजम के लिए माइनस एंड जीरो दिया हुआ था, दैट इज वेरी इजी। नेक्स्ट यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 3 कितने बार याद कराया था, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 का याद कर लो, कौन सा क्या ट्रांसक्रिप्ट करता है, 1 वाला बताया था आर, 2 वाला बताया था एम, और लास्ट वाला टी, तो ये डायरेक्टली 3rd में बोला गया था, टी आप लिख सकते थे, 5S RNA SNRNA टिक मार सकते थे आप, एनसीईआरटी से ही है, जी हाँ एनसीईआरटी से ही है ये, कुछ और बाहर से नहीं है। देखो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 3 रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5S RNA एंड SNRNA, डायरेक्टली पूछा हुआ ऑप्शन भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है, tRNA, 5S RNA एंड SNRNA, ठीक है बच्चा। सो ये आपको आँख खोलना होगा, अब आपको आँख खोलना होगा, बंद रखने से कोई फायदा नहीं है। करेक्ट पेयर को यहाँ चूज कीजिए, देखिए सही कौन सा पेयर्ड है, तो लूज पैरेन्काइमा सेल्स रप्चरिंग द एपिडर्मिस फॉर्मिंग अ लेंथ सेपरेट ओपनिंग इन द बार्क, आप उसको क्या बोलते हो, लेंटी सेल्स बोलते हो, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नहीं। लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ द सेल, तो इसको हम लोग बुली फॉर्म सेल्स बोलते हैं, ये गलत है, सेल सब यहाँ दोनों गलत हो गया। डायकॉट वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय द लार्ज थिक सेल, तो वैस्कुलर बंडल्स लार्ज थिक सेल्स से सराउंडेड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपका होता है वो बंडल सीथ, तो ये गलत हो गया है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल ऑफ मेडुलरी रेज दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, देखो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एनसीईआरटी से आप देखो यहाँ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दैट फॉर्म्स द सेल्स ऑफ मेडुलरी एडवाइनिंग द मेट्रासेलुलर कैम्बियम बिकम्स मेरिस्टमैटिक एंड फॉर्म्स द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाओ। ये भी सवाल आपका थोड़ा सा तंग करने वाला था, बट अगर थोड़ा दिमाग लगाया होते और वो याद अगर होता इसका स्ट्रक्चर, PBR322 का स्ट्रक्चर, मैंने आपको बोला था वॉलपेपर बना लीजिए अपने फ़ोन का, तो इसलिए मैंने बोला था आपको क्वेश्चन इससे तो पिक होना ही था 100%। तो प्लाज्मिड इसमें क्या हुआ है, PST आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स साइट में विद इन द जीन
एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस दैट इज कन्फर्म्स द एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड इफ दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड का प्रोडक्शन राइट तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कैसा होगा इट विल नॉट एबल टू कन्फर्म द एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस बिल्कुल सही एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस कन्फर्म नहीं कर पाएगा ये देख लो बच्चा PST1 जो है आपको एम्पीसिलिन यहाँ पे देख सकते हो इज द थिंग विच हैव गॉट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से भी सवाल आपका कनेक्टेड था क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सीक्वेंस वहाँ पर कोड किया गया था ठीक है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से भी ये सवाल आ चुका था ये भी देखो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज क्या बोलते हैं इसे तो आप रिपीटेटिव मैंने आपको ये करवाया भी है मॉक टेस्ट में भी कराया है रिपीटेटिव डीएनए यहाँ पे आप देखो ये देखो रिपीटेटिव डीएनए लिखा हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग दैट ऑफ डिफरेंस इन सम रीजन इन द डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड पूरा का पूरा छापा हुआ है देखो सब स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस छाप दिया है कि नहीं भैया कॉपी है बेस्ट एनसीईआरटी बेस्ट है बोलो मेरे साथ सब लोग कॉपी है बेस्ट है एनसीईआरटी बेस्ट है नेक्स्ट हमारे पास क्या है इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो कि आपको एन टी बराबर एन नॉट ये आपको ऐसे लिखा होना चाहिए था एन टी बराबर एन नॉट ई आर टी ये आप में बताना है कि ई क्या रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट एनसीईआरटी से कि बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम यहाँ देखो बच्चा ये डायरेक्ट यहाँ पे ई बराबर क्या होता है डायरेक्ट लिखा हुआ है दैट इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम मिल गया फुल्ली कॉपी है पेस्ट है एनसीईआरटी बेस्ट है चल आगे बढ़ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इसमें से गलत कौन सा है तो आपको बताए थे साइक्लिक फॉस्फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल पीएस वन फोटोसिस्टम वन इन्वॉल्व होता है केवल तो यहाँ दोनों लिख दिया इन्वॉल्व होता है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा देखो यहाँ पे आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपको केवल और केवल फोटोसिस्टम वन इन्वॉल्व होता है और एटीपी का केवल इसमें फॉर्मेशन होता है ये बात आपको मैंने बताई थी क्लास में भी डन बच्चा कोई दिक्कत ये नहीं है कोई नुकसान वाली बात नहीं आगे बढ़ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इसमें से करेक्ट कौन सा है करेक्ट मतलब सही तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ये आपने पढ़ा होगा जब फंजाई की शुरुआत हुई थी तो फ्यूजन प्रोटोप्लाज्म का होगा उसे हम प्लाज्मोगेमी बोलेंगे ये सही है दो सेल का फ्यूजन नहीं कहलाता है कैरियोगेमी बच्चा इट इज न्यूक्लियस का फ्यूजन कैरियोगेमी कहलाता है सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स स्मॉर्सिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल उसको सीड सेल नहीं कहते हैं बच्चा उसको हेटरोसिस्ट कहते हैं ऑर्गेनिज्म दैट आर इन्वॉल्व इन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स डेड प्लांट्स में इन्वॉल्व होते हैं डेड एनिमल्स में इन्वॉल्व आपका डिपेंडेंट होते हैं सारे ऑप्शन गलत थे बस आपका ये तीसरा वाला छोड़ करके यहाँ पे आप देखो प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी ये लाइन आपको यहाँ मिल जाएगा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल एंड वन नॉन मोटाइल गैमेट इट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी यही लिखा हुआ है ना टू मोटाइल और नॉन मोटाइल देखो यहाँ टू मोटाइल नॉन मोटाइल कॉपी है बेस्ट है एनसीईआरटी बेस्ट है आगे बढ़ जाओ नाइट्रोकोकस में याद करो मुन्ना बताया था आपको नाइट्राइट को नाइट्रेट में करता है राइजोबियम क्या करेगा राइजोबियम करेगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में थायोबैसिलस पीटी याद कराया था डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होता है ये तो पहला ऑप्शन चला गया आपका ये पहला ऑप्शन सीवा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो गया ये डायरेक्ट यहाँ से आप देखो नाइट्रोकोकस पे आया था बेस्ट क्वेश्चन ना और किस पे आया था थायोबैसिलस पे तो थायोबैसिलस देखो लिखा हुआ है डीनाइट्रिफिकेशन पीटी करके याद कराया था सीडोमोनास एंड थायोबैसिलस और नाइट्रोकोकस पे आया तो नाइट्रोकोकस क्या करता है नाइट्राइट को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट को नाइट्राइट। चलो हो गया क्लियर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आगे चलो बढ़ जाओ यहाँ पे देखो आपको इनकरेक्ट बोला है आप अगर ऑप्शन ध्यान से पढ़ोगे तो ये आपको ऑप्शन डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि इनकरेक्ट है क्योंकि एनएडीएच में आपको लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि 3 एटीपी मिलता है एफएडीएच से आपको मिलता है FADH2 जो है या वो देता है वो क्या 2 ATP देता है तो उल्टा लिख दिया था तो ये गलत ऑप्शन था यहाँ पे आप देख सकते हो NCERT का रेफरेंस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH विल गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP व्हाइल दैट ऑफ वन मॉलिक्यूल FADH2 विल गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP ठीक है
ठीक है, असल में ये एनसीईआरटी में इतना लिख दिया, बट ऐसे आप हायर स्टैंडर्ड में डीपली आप अंडरस्टैंड करके पढ़ोगे तो पूरा पूरा 3 ATP नहीं मिलता है, पूरा पूरा 2 ATP नहीं मिलता है, वो आप पढ़ोगे आगे अगर हायर स्टडीज में जाओगे तो। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी की बात हमारे सर आंखों पे भाई जो कह दे बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन सम मेंबर ऑफ दिस पेयर ऑफ फैमिलीज पोलन ग्रेन्स रिटेन द वायबिलिटी फॉर मंथ्स, बताओ, याद करो मैंने बोला था SLR गन पबजी खेलते हो सब लोग, सोलेनेसी लेगुमिनेसी एंड रोजेसी, याद कराया था SLR बोल के, याद है? अभी 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 याद आया सर, अभी अभी याद आया, सॉरी करोगे ऐसे मुझे पता था। यहाँ देखो SLR फोर मंथ, वायबिलिटी फोर मंथ, लंबे टाइम तक, मंथ भर मतलब महीनों तक इनकी पोलन ग्रेन्स वायबल होते हैं। अगले सवाल पे आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट को करना है, इसमें सही क्या था कि RNA polymerase bind with rho factor to terminate the process of transcription, बिल्कुल सही, रो फैक्टर के साथ मिलकर के वो टर्मिनेट करता है, ये एकदम से सही था ऑप्शन। यहाँ पे रो फैक्टर और साई फैक्टर पढ़े होंगे आप, सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर, रो फैक्टर टर्मिनेशन फैक्टर था और सिग्मा फैक्टर इज द इनिशिएशन फैक्टर। मैं केवल आपको विजुअलाइज करा रहा हूँ कि NCERT से एक पेपर ही था बच्चा, आपने कहीं इधर उधर ध्यान दिया था तो सब कुछ टाइम ऑफ आपका वेस्ट ऑफ टाइम था। ये तो बहुत ही ईजी था, सब लोग कर लिए होंगे, 1 2 3 मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था, 1 2 3 पहला था फेबेसी सोलेनेसी लिलियसी, तो यहाँ पे देखो 1 कहाँ मिल रहा है आपको, ये मिला 1, इसको मारो फेबेसी, है ना, फेबेसी यानी इसका ए हो गया। 2 कहाँ मिल रहा है तो 2 बार मिल रहा है, तो 5 5 2 कहाँ मिल रहा है तो सोलेनेसी में हमारा मिल जाएगा बी ऑप्शन, है ना। और इसके बाद 3 कहाँ मिला, ये लिलियसी हो गया सी, और 1 बच गया आपका, ये हो गया डी। अब राइट आंसर देख लो, डी का 1 सी का 2 है ना, ए का 3 और आपका बी का 4 हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही है। डन, फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूलाज तो एकदम याद ही होने चाहिए बच्चा लोग, ये देख लो यहाँ पे ये फ्लोरल फॉर्मूला किसका है, 5 5 2 याद कराए थे सोलेनेसी का, और 9 + 1 देखते ही तो एकदम मुंह में लालच आ जाता है, दैट इज फेबेसी। आगे बढ़ जाते हैं, ये देखो सवाल बायोमोलिक्यूल्स का बॉन्डिंग के रिलेटेड है कि प्रोटीन में कैसा बॉन्ड होता है, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, सबको पता है ना। फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड है भैया, तो डबल बॉन्ड होगा ही होगा, दैट इज योर। न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लिक एसिड में आपको कौन सा बॉन्डिंग होता है, आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, एंड पॉलीसेक्राइड्स में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, दैट इज डन, ऑप्शन नंबर चला गया आपका 2। ये एक ही पैरा से उठाया हुआ सवाल था, इधर उधर से नहीं उठाया गया, आप इतना मेहनत मत सोचो करेगा कोई एग्जामिनर आपके लिए। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ, प्रोटीन में, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ, पॉलीसेक्राइड में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पे, न्यूक्लिक, आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे पीछे ऑप्शंस में था, आप देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड है कि नहीं है, कहीं और से आपके लिए क्वेश्चन क्यों उठाएंगे, हम एक ही पैरा में सब उठाएंगे ना, आपके लिए इतना मेहनत क्यों करने जाएंगे, बात चल रहा है एग्जामिनर की बात क्या कह रहे चाह रहे। एस फेज में क्या होता है बालक, एस फेज में होता है इट इज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएटर ऑफ द नो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपको एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन ना, बिल्कुल हाँ डीएनए रेप्लिकेशन ए नंबर, और बिटवीन की बात रही तो माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो आपको ये हो जाएगा देखो ऐसे होता है ना G1 S G2 और M फेज, तो माइटोसिस और ये इनके बीच में, तो ये हो गया G2 के बारे में बोल रहा है, यानी कि थर्ड वाला चला जाएगा G2 के लिए, ये चला जाएगा G2 के लिए, तो आपका राइट आंसर हो गया बी का प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, प्रोटीन सिंथेसिस किसमें होता है, क्यूशन फेज इनएक्टिव फेज है, क्यूशन क्या इनएक्टिव हो जाएगा, तो ये चला गया सी। अच्छा ये माइटोसिस जो है यहाँ पे अगर है, ये माइटोसिस एक्चुअली क्या कह सकते हो, यहाँ से फिर से जीवन शुरू हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से जीवन शुरू हो जाएगा, फिर आपको एस आ जाएगा, फिर आपका एम आ जाएगा, है ना, तो G2 आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देखो बच्चा राइट आंसर आपको क्या चला जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा कि आपने क्या किया, ए का 4 तो किया, ठीक है डन, बी का क्या कर दिया, बी का हो गया आपका 1, बी का जाएगा 1, G2 जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, और क्यूशन फेज इनएक्टिव, और G1 जाएगा इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, या इनिशिएशन था वर्ड, एग्जैक्ट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं था, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये आपको जाएगा G1, ये सही आंसर है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इनिशिएशन है, ये हम यहाँ पे इसको क्या कर दिया, पूरा डीएनए रेप्लिकेशन को मान लिया, इसलिए गलत हुआ, तो राइट आंसर चला गया फर्स्ट ऑप्शन।
यहाँ पे देख सकते हो इट इज द इनएक्टिव स्टेज लिखा हुआ है, क्यूसेंट फेज को हम लोग बोलते हैं जी नॉट को इनएक्टिव स्टेज। अगला क्वेश्चन की ओर आ जाओ बालक, ये क्वेश्चन भी लग रहा होगा काफी बच्चों के कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी, डोंट वरी। नाउ अ डे इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कैंसर बाय अलाउिंग रेडियोएक्टिव प्रोब टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन क्लोन ऑफ द सेल एंड फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। तो इसमें डायरेक्टली एक म्यूटेटेड जीन जो है वो आपको डज नॉट अपियर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, बिल्कुल अपियर नहीं होता है। एज ऐसा रीजन क्या है कि एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंटरिटी विद दैट, राइट। ये एनसीईआरटी में से डायरेक्ट पूछा हुआ है, देख सकते हो आप। यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे देख लो आप ध्यान से। इट इज टाइप विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब विच इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज विद कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए इन क्लोन ऑफ द सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन विद ऑटो रेडियोग्राफी। आपका पूरा कॉपी का पेस्ट था, है ना। दैट क्लोन हैज म्यूटेटेड एंड विल नॉट हैंस अपियर ऑन माई फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रो विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटैरिटी विथ म्यूटेटेड जीन। तो है बिल्कुल का पूरा कॉपी एंड पेस्ट, एनसीईआरटी इज द बेस्ट। सो गाइज लेट्स मूव टू द जूलॉजी सेगमेंट। हमने ये सारे बॉटनी का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, आपके सामने से एक बार गुजर जाएगा। जिन बच्चों ने सेशन नहीं देखा अगर बॉटनी का, तो जाइए, बहुत ही जबरदस्त ढंग से मैंने क्लियर है वहां पे ये दिखाया है कि एनसीईआरटी के कौन से लाइन से पिकअप हुआ है क्वेश्चन। आपको यहाँ इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा एनसीईआरटी का। सो गाइज मूविंग टू द नेक्स्ट, अपना जो जूलॉजी पोर्शन है मैं उसे निकाल लेता हूँ सबसे पहले, तो देन हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करेंगे गाइज। एंड आई होप आप बच्चों लोगों ने भी काफी अच्छा फोड़ दिया होगा पेपर को, इवन आपको जो फीडबैक मुझे मिल रहा है जहां तक मुझे अभी तक समझ में आ रहा है। सो गाइज दे हैव डन वेरी वेल, 350 355 तक स्कोर गए हैं, तो ये काफी अच्छा सुनकर के लगा। पेपर उसी लायक था, आपने बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया इस पेपर को अपने मेहनत के साथ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं जूलॉजी पार्ट टू। यस आइए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख रहे हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि एरिथ्रोपायोटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन एरिथ्रोपायोटिन हार्मोन। तो ये आपको जो है जेजी सेल्स जब पढ़ाया था मैंने, तो याद करना बच्चा, कंप्लीटली वहां पे ये डिस्क्राइब किया था कि एरिथ्रोपायोटिन हार्मोन यहाँ से रिलीज होगा, राइट। तो जेजी सेल इज द राइट आंसर, डायरेक्ट आप टिक लगा सकते थे। इवन आप रेस्ट ऑफ द ऑप्शन को जब पढ़ोगे ना, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, क्योंकि कोई कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। कन्फ्यूजन तब होता अगर यहाँ पे जेजी सेल के साथ मैक्यूला डेंसा वगैरह और कुछ पूछ लिया जाता, है ना, ग्लोमेरुलर एपरेटस डाल दिया जाता, तो मजा आता थोड़ा। लेकिन ऑप्शंस में दम ही नहीं है भाई, आप डायरेक्टली यू कैन गो टू द आंसर वन नंबर, फर्स्ट नंबर आराम से आप टिक लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आया कहाँ से है वो ध्यान देंगे एक बार। सो द क्वेश्चन हैज केम फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन। इवन यहाँ पे देखो, द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी प्रोड्यूस ए पेप्टाइड हार्मोन कॉल एरिथ्रोपायोटिन। ये लाइन आप देख सकते हो, एरिथ्रोपायोटिन डायरेक्टली यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाई जे जी सेल, दैट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, दैट इज फ्रॉम कॉकरोच। कॉकरोच तो एकदम इंपॉर्टेंट था ही। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू कॉकरोच। तो कॉकरोच के रेस्पेक्ट में यहाँ क्या करना है, गलत चूज करना है। तो गाइज यहाँ पे आप देखो जो राइट आंसर है कि अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सिका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। तो जब मिड गट एंड हाइंड गट के बीच का जंक्शन पूछा है, तो गैस्ट्रिक सिका वहां नहीं आएगा, राइट। वहां जाएगा आपको पता है मालफिजियन टिब्यूल। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली ये लाइन निकाला है एनसीईआरटी से कि जब आपका मिड गट एंड हाइंड गट के बारे में बात होगा तो वहां मालफिजियन टिब्यूल होगा। तो गैस्ट्रिक सिका कहाँ होगा गाइज, गैस्ट्रिक सिका एक्चुअली में फोर गट और मिड गट के जंक्शन के बीच में प्रेजेंट होता है। ये दोनों लाइन से क्वेश्चन पिकअप हुआ है एंड इट विल गिव यू 4 मार्क्स अगर आप सही करके आए हो तो। और ये पढ़ाते वक्त भी काफी डिटेल है, मैंने बोला था कि फोर गट और मिड गट के बीच में आपको होता है गैस्ट्रिक सिका, ठीक है, और मिड गट और हाइंड गट के बीच में आपका होता है क्या, मालफिजियन टिब्यूल। तो ये क्लियरली मैंने वहां पे ये इस तरह से बताया था, आपको नोट करवाया था, ठीक है, जब कॉकरोच का डिस्कशन कर रहे थे तो। सो ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास सक्कस इंटेरिकस। इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या बोलूं, इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही आसान है। सक्कस इंटेरिकस किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, तो यू नो दैट इज इंटेस्टाइनल जूस। अब ये सवाल कहाँ से आया बच्चों, आप अगर देखोगे ध्यान से, मैं आपको बताऊं ना, पता है ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कैन यू इमेजिन, ये क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से। तो गाइज आप चौंक जाएंगे, क्योंकि अभी तक बहुत से कम बच्चे होते हैं जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को करते हैं। एक्सरसाइज में भी इक्का दुक्का एमसीक्यू होता है, जानते हो आप लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्सरसाइज पे जाओ और देखो, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, दैट इज वन का बी में, सक्कस इंटेरिकस इज द नेम गिवन टू इंटेस्टाइनल जूस। क्या मत सब समझ आ रहा है, कुछ समझ में आया,
कि आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है, आप सबों ने किया होगा, आई होप सो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए क्या था कि विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज, मियोटिक प्रोफेज का कौन सा स्टेज। मैं आप टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा देखते हो तो डायरेक्ट यू नो दैट इज डायकेनाइसिस। डायकेनाइसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा होता है। यहाँ पे आपका एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, साफ तौर पे देखो डायकेनाइसिस में लिखा है टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा इज रिलेटेड टू डायकेनाइसिस। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनसीईआरटी रेफर कर रहे हो, आपको ये समझ आ रहा है कि दिस लाइन हैज द इम्पोर्टेंस। और यही नहीं, पूरा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। अब इसी लाइन से जरूरी नहीं कि अगले साल भी पुटअप हो, तो आपके लिए ये समझना जरूरी है दैट ऑल द लाइन्स, ऑल द पॉइंट्स, ऑल द फुल स्टॉप, इवन दैट कॉमा, ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट गाइस। सो एनसीईआरटी के लिए एकदम जान लगा दीजिएगा इस बार, अगर आपका अच्छा स्कोर करना हो तो। पार्शियल प्रेशर आपको बताया था मैंने, वो टेबल जब पढ़ा रहा था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो वहां पे उस टेबल को मैंने काफी अच्छे से समझाया था कि 40 वाला डाटा याद रखना, ऐसे बताया था 40 40 ऐसे 40 याद रखो, है ना। तो यहाँ पे ये आ गया आपका 40 वर ही क्वेश्चन आया, दैट इज PO2 इज 104 एंड PCO2 इज 40 एल्वियोलाई में पूछा था। तो ये देखो एल्वियोलाई वाला डाटा आ गया बच्चा, एल्वियोलाई वाला डाटा 104 एंड 40 यहां से क्वेश्चन आया। आप देखो इसलिए मैंने ऐसे याद रखा था 40 40 ऐसे 40, तीन 40 थे और इवन यहाँ पे भी टिश्यू में भी 40 था, और ये पूरा ऐसे ABBT ऐसे याद कराया था, ABBT, ठीक है। तो ये मैंने बच्चों को यहाँ याद भी करवाया था, अगर याद था आपको एग्जाम सेंटर में आप जरूर से सही करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन फ्रॉम एनिमल किंगडम, बहुत ही सुंदर सा मैचिंग दिया हुआ है, बहुत ईजी है। तो क्या सही होगा, फाइशेलिया को आप क्या बोलते हो बच्चा, प्रोटोग्यूज मैन ऑफ वार, क्लियर है। लिम्यूलस को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्यूलस को हम लोग लिविंग फॉसिल बोलते हैं, लिम्यूलस को क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल। एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा को क्या बोला जाता है, एनसाइक्लोस्टोमा को बोला जाता है हुकवाम। एंड पिनेक्टिडा को बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर, पिनेक्टिडा को पर्ल ऑयस्टर। तो इसके हिसाब से राइट आंसर फोर्थ नंबर जाएगा बच्चा, फोर्थ नंबर। रेफरेंस देने की जरूरत नहीं आई होप, बट आप लोग यहाँ पे देख लो आपका एनसाइक्लोस्टोमा दैट इज हुकवाम, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आया था, और यहाँ से पर्ल ऑयस्टर आया था पिनेक्टिडा दैट इज पर्ल ऑयस्टर। यही तो दो क्वेश्चन आप आराम से कर लो, इसीलिए एनसीईआरटी के जो एनिमल किंगडम में क्वेश्चन आपका जो एग्जाम्पल दिया है उसके आपको कॉमन नेम भी एकदम इंपॉर्टेंट है याद करना है। तो कॉमन नेम को भी मत भूलना, कॉमन नेम इज ऑल्सो वेरी मच बेनिफिशियल, यहाँ से ये हमें मालूम पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्पलीफिकेशन यूजिंग PCR, इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड इन द बिगिनिंग, देखो बहुत हाई टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं किया जाएगा तो कौन सा आपका स्टेप अफेक्टेड होगा। तो PCR में आपका प्रोसेस अफेक्ट स्टेप्स देखोगे तो आपको तीन ही स्टेप होता है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। तो ये लाइगेशन तो पहले आप कट कर दो, वन नंबर जिन बच्चों ने टिक किया होगा वो बहुत ही ज़्यादा गलत करके आया हो भाई, ये वन तो एकदम प्रोसेस का स्टेप का पार्ट ही नहीं है, है ना। अब आते हैं हम लोग कि सबसे पहले अगर मान लो मुझे कुछ नहीं आता, टेम्परेचर का कोई आइडिया ही नहीं है, फिर भी यहाँ पे आंसर छुपा हुआ आपको मिल रहा है। देखो इन द बिगनिंग, ये समझ आ रहा है, इन द बिगनिंग, तो आपको याद अगर है स्टेप वाइज कैसे होता है, तो पहले डीनेचुरेशन फिर एनिलिंग और एक्सटेंशन। तो बिगनिंग में आप क्या लगाओगे, डीनेचुरेशन। हमें टेम्परेचर मान लो कुछ भी पता नहीं था फिर भी हम राइट आंसर तक पहुंच जाते, हाई टेम्परेचर बोला है तो टेम्परेचर अबाउट यहाँ 94 to 95 होता है, ये आपको याद भी कराए थे, ठीक है। इसका आपको वही 55 आसपास की आप देखोगे, और यहाँ इसका लास्ट में एग्जैक्ट 72 के आसपास होता है। तो ये आपको टेम्परेचर एकदम से याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये देख लो एनसीईआरटी का फिगर, बिगनिंग का एकदम पार्ट पूला था आपको, तो डीनेचुरेशन ही होता, और यहाँ लिखा भी हुआ है हीट दे रहे हैं हम लोग, तो यानी कि हाई टेम्परेचर वहाँ प्रोवाइड करना जरूरी है। अच्छा ये देख लो यहाँ टेम्परेचर का डाटा 94 95, मैंने आपको ये सही बोला था, 56 अबाउट यहाँ पे जाएगा, और 72 ये भी मैंने ठीक बोला था आपको। तो यहाँ से आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि गाइज कितना आसान होता है क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आता है तो इट इज़ वेरी इजी, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो बौखलाए नहीं, आराम से क्वेश्चन जोन में गिरेगा, एक बार और उसके ऊपर नजर दौड़ाइएगा। तो ये भी सवाल बहुत ईजी है, मैचिंग है, तो ये काफ़ी आसान था। देखो क्या हो जाएगा एस्परजिलस निगर का, बताओ जल्दी से, एस्परजिलस निगर सिट्रिक एसिड होगा, ठीक है। एसिटाई, देखो ये वर्ड किसी को भी दिख जाता है एसिटाई, तो एसिटिक एसिड ही मारता है, ये तो बहुत ईजी था। लैक्टो वर्ड भी मिल जाने से आपको मिल जाता है डेट इज डी, तो एक तरह से कह सकते हो क्वेश्चन नहीं था ये बोनस था। ब्यूटालिकम से देखो ब्यूटारियम, तो ये एक तरह से बोनस आपको दे गया नीट वाले ने, आपने क्या कर दिया, बोनस दे के आपको चला गया, बहुत ही ईजी सवाल। तो ये आपका राइट आंसर देख लो, एक आ जा रहा है थर्ड, एक आ थर्ड यहीं पर, एक ही ऑप्शन अगर पता हो तो आप आराम से सेकेंड ऑप्शन तक टिक लगा सकते थे। गाइज यहाँ पे ये एक पैराग्राफ से आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज द
पैराग्राफ ऑफ चैप्टर नंबर 10 निकाल के देख लेना, एस्परजिलस निगर दैट इज लिखा हुआ है, सिट्रिक एसिड एसिटो बैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम लिखा हुआ है, ब्यूटारिक एसिड एंड लैक्टोबैसिलस दैट इज लैक्टिक एसिड। तो क्वेश्चन आपको देख सकते हो ये तीन लाइन से फ्रेम करके मैचिंग बना दिया। आप मनसा समझिए एनटीए वालों का कि एनटीए वाले क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, दस दैट इज वी आर डिकोडिंग हियर। बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन से कहीं भी पेज पलटा और लाइन मिला उस लाइन से आपने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, ये तरीका है बच्चा। और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस को वो समझाना चाहते हैं आपको, ताकि आप बच्चों को एक पैरेलल कंपटीशन हो सके। अगर जहां तहां से क्वेश्चन पूछेंगे तो कंपटीशन पैरेलल नहीं हो पाएगा। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ सकता है, बहुत तरह की किताबों को पढ़ सकता है, कोई बच्चा केवल कुछ चीज़ों को पढ़ सकता है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड फिक्स है हमारे लिए कि गरीब से गरीब बच्चा जो कि हायर स्टैंडर्ड्स कोचिंग हायर स्टैंडर्ड्स बुक नहीं ले पाएंगे, दैट बुक वन बुक इज एनफ फॉर ऑल, दैट इज एनसीईआरटी बालक। सो एनसीईआरटी इज द मस्ट फॉर यू ऑल। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन में देखो ये था कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली रिप्रेजेंटिंग द नेचर ऑफ स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल में आप जानते हो दैट इज कम्युनिकेशन आपका वहां नहीं होता, इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होता, ये किसका था, ये कार्डियक मसल का था। तो यहाँ पे इसको रख दिया गया तो ये एक्चुअली क्या हो गया, गलत हो गया, दैट्स ऑल। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, बाकी के सारे स्टेटमेंट सही है कि इनवॉलेंट्री होता है, नो स्ट्रिएशंस है ना, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, सभी स्टेटमेंट सही है। तो ये तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। एनसीईआरटी के लाइन से पिकअप कहाँ से हुआ था, तो ये देखो कार्डियक मसल में लिखा होता है आपका कम्युनिकेशन जंक्शन इंटरकैलेटेड डिस्क कार्डियक मसल में होता है, स्मूथ मसल में नहीं होता। स्मूथ मसल आपका ब्लड वेसल्स वाला ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ मैं, इनवॉलेंट्री वाला दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सही पूछे आपसे है ना, विदाउट स्ट्रिएशंस ये भी आपसे सवाल दे दिया गया था ऑप्शन में। सो ये हाईलाइट करके मैंने आपको दिखा दिया, डेट इज ऑल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे क्रॉनिक और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये मैंने आपको जब टेस्ट लिया था मेगा टेस्ट याद करो, तो मॉक टेस्ट में नंबर हमको याद नहीं आ रहा है, बट ये आपको क्वेश्चन दिया जरूर है वहां पर, पूरा का पूरा क्वेश्चन ये एकदम सेम है, डिटो वही है, मिस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपको याद करो, जेनेटिक डिसऑर्डर साथ ही साथ वहां बताए थे। तो ये आप यहाँ पे एनसीईआरटी में भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि मिस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपका क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ये चीजें मैंने आपको दोनों में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए दोनों को बार बार आपको बोला था और करवाया भी है मॉक टेस्ट में बालक। ये क्वेश्चन भी आपको मॉक टेस्ट से है, देख लो ध्यान दो, इसमें भी आप कर सकते थे, आराम से कर सकते थे, थोड़ा कन्फ्यूजन है बट आप आराम से कर सकते हो। पर्सन्स विद ए बी, ए बी एक ब्लड ग्रुप है और उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों बोलते हैं। रेसिपिएंट तब बन पाता है कोई भी ब्लड ग्रुप, तब उसके लिए उसमें एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, एन टी ए और एन टी बी दोनों का दोनों क्या होते हैं, वहाँ पे एबसेंट होते हैं। ये टेबल आपका यहाँ से सवाल आया हुआ है, दिस टेबल हैज गॉट द राइट क्रेडिट। यहाँ से आप देखो इसमें नील लिखा हुआ था एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए बी का, तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया था आपके लिए। सो गाइज दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, इवन द टेबल विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्टेटमेंट। तो आप यहाँ जान सकते हो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। फ्रूट फ्लाई के 8 क्रोमोजोम है, 2n इन ईच सेल। ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस द क्रोमोजोम नंबर, जीवन के दौरान आपका क्रोमोजोम नंबर कितना आया बालक, दैट इज 8। आपको पूछ रहा है क्या व्हाट वुड बी द क्रोमोजोम नंबर आफ्टर एस। तो काफी बच्चे क्या होता है कि ये सोचते हैं कि आफ्टर एस बोला है, हम लोग जानते हैं कि वहां पर रेप्लिकेशन होता है, तो भैया आप डबल कर दिए होंगे। बट गाइज आपको याद होना चाहिए क्रोमोजोम नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, डीएनए डबल होता है, डीएनए कंटेंट डबल होता है, इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन चौंका गया होगा। एंड इट वाज द सेम 8 आंसर जाएगा, बिल्कुल 8 जाएगा इसका, ठीक है। तो कोई असर नहीं होता है क्रोमोसोम कंटेंट पे, आपने पढ़ा होगा इसे, मैंने भी बताया था। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या लिखा है देखो, सो देयर इज लिखा हुआ है साफ साफ, देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम नंबर में कोई इंक्रीज नहीं होगा, डीएनए कॉन्टेंट विल बी डबल, डीएनए पर सेल्स क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। दिस इज द थिंग विच हैव गॉट द आंसर, और काफी अच्छे से यहाँ पे मेहनत करके क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। चलो रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल आर, तो रिसेप्टर ये प्रेजेंट होता है जोना पेल्यूसिडा में, ये आंसर आपको जोना पेल्यूसिडा टिक लगाना था, रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होता है, जोना पेल्यूसिडा में। आप ये चैप्टर पे निकाल सकते हो रिप्रोडक्शन वाला, वहां पे आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विद जोना पेल्यूसिडा लेयर एंड इंड्यूसेस चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। तो ये चीज आपको मैंने बताया था, और वहां पर ये रिसेप्टर होता है जोना पेल्यूसिडा में, तो ये कह सकते हो कि रिसेप्टर की बात एनसीईआरटी में डायरेक्ट तो नहीं कही गई है, बट इनडायरेक्टली ये जोना पेल्यूसिडा वाला टर्म वहां पे लिखा हुआ है और उसके बारे में भी बात कही गई है। सो दिस वाज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये तो काफी ज्यादा इजी था।
चलो, विच ऑफ दी फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली म्यूसिडे। तो म्यूसिडे में आपको हॉर्स फ्लाई होता है, हाउस फ्लाई का नाम अगर बच्चा लोग जानते होंगे तो म्यूसिका डोमेस्टिका, उसी से नाम से ही समझ में आ जाता है कि म्यूसिडे इज द फैमिली, म्यूसिडे इज द। चलो तो यहां से आपको मैं दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी दिखाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ याद होगा। ये म्यूसिडे से आया था, हाउस फ्लाई म्यूसिका डोमेस्टिका, इजी है बच्चा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाओ। इस बार देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट से बहुत क्वेश्चन पूछा है, तो ये टेबल फिर से आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट का बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे गलती क्या है कि आपको ढूंढना इनकरेक्ट, तो ड्रग्स में यहाँ पे आपको ये लिख दिया गया रिसिन, दैट इज रॉन्ग, रिसिन ड्रग्स में नहीं आता, दैट इज टोटली रॉन्ग। तो रिसिन नहीं आएगा तो कौन आएगा ड्रग्स में, यहाँ पे इस टेबल पे देख लो, इस टेबल पे देखो विन ब्लास्टिन और कुरकुमिन एक्सेट्रा आर कम अंडर द ड्रग्स। तो रिसिन किस में आता है, रिसिन आपका टॉक्सिन में आता है। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला इसी एक टेबल से दो क्वेश्चन हो गए, बॉटनी में भी एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन आपके जूलॉजी में भी गिर रहे हैं। तो इवन आप समझ सकते हो ये टेबल, एक टेबल आपको इस बार 8 नंबर दिला सकता था। तो इस टेबल को एकदम इंपॉर्टेंट कर लेना, बीबीआई कर लेना। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। वेनरल डिजीज, वेनरल डिजीज बोलो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलो, तो ये आपको स्प्रेड किससे होता है, तो यूजिंग स्टेराइल नीडल। बाप रे, स्टेराइल नीडल यूज करके कैसे डिजीज को ट्रांसमिट कर सकते हो, दिस इज टोटली रॉन्ग, ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड। अच्छा देखो, मुझे अगर ए गलत लग रहा है तो ए के गलत होने पर ही मुझे लग गया कि ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, स्मार्ट तरीका करने का है ना। आगे बढ़ो, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इससे हाँ बिल्कुल इससे फैल सकता है। इन्फेक्टेड मदर टू फिटस, ये भी हो सकता है। किसिंग से नहीं होगा, इनहेरिटेंस से नहीं होगा, तो ऑप्शन जाएगा इसका बी एंड सी ओनली, दिस वॉज द राइट आंसर, बी एंड सी। यहाँ पे एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है, दिस इज वेरी वेल इंडिकेटेड हियर इन एनसीईआरटी, द सम ऑफ दिस इन्फेक्शंस कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद इन्फेक्टेड पर्सन्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम मदर टू द फीटस एज वेल, राइट। तो ये दोनों आपके वहां पे ऑप्शन में थे, आप देख सकते हो, ठीक है, ये दोनों ही आपके ऑप्शन में वहां पर थे, राइट बच्चा लोग। सो दिस वॉज द एनसीईआरटी रेफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत ही ईजी था कि ऑर्गेनिल दैट इंक्लूडेड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो याद करवाए थे आपको ईजी एलवी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, याद करो लाइसोजोम और वैक्यूल, तो ये चारों ही आपको यहाँ मिल रहे हैं थर्ड ऑप्शन में। तो दैट इज वेरी इजी, एंडो मेम्ब्रेन पूरा का पूरा मैंने समझाया हुआ था, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इनके आपके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, यस। तो यहाँ पे देखो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड कौन कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोजोम एंड वैक्यूल। सो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो गया था बच्चा लोग। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए काफी बच्चे मुझे मैसेज कर चुके हैं कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइज बहुत ज्यादा अलग अलग आंसर की आप लगा रहे होंगे, कोचिंग वगैरह से मिलाओगे तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा कि थर्ड ऑप्शन सही बोल रहा है वहां पर, कहीं फोर्थ बोल रहा है, कहीं थर्ड और फोर्थ दोनों बोला जा रहा है। राइट आंसर इसका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इज द फोर्थ वन, तो फोर्थ वन को आप, बट ऑब्वियस ऑफिशियल की में भी आपका फोर्थ ही आएगा, आप देख लेना। सो यहाँ पे कैसे मैं फोर्थ बोल रहा हूँ आप ध्यान देना, उसका मैं प्रूफ भी आपको दूंगा। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन, ये लाइन पढ़ ली आपने, अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी। आइए ये लाइन को मैंने आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूँ, चलो इसका लाइन का रेफरेंस मैं एनसीईआरटी से आपको देता हूँ। यहाँ पे देखो, अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट मिल गया, अर्ली डिटेक्शन मिल गया, तो इसमें आप देखो आपका एग्जाम्पल क्या क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर है ना, एलिजा दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे क्या यहाँ पे साउथर्न ब्लॉटिंग का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, नहीं दिया है, दैट मीन्स राइट आंसर सीधा एनसीईआरटी एलिजा को मानेगा, नथिंग टू वरी, आप बच्चों ने जिसने एलिजा लगाया है वो सही जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ इंसुलिन, करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। तो यहाँ पे पहला कि सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर जी इंसुलिन, बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल 100% ए ऑप्शन सही है। द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, नहीं होता है, सी पेप्टाइड नहीं होता, एंड द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, बिल्कुल सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन में होगा, ए एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, ये भी मॉक टेस्ट में करवाया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए सी एंड डी, दैट इज राइट। एक बार रेफर करा देता हूँ मैं, एनसीईआरटी का दौरा आपको करवा दूँ, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तौर पे, आप देख सकते हो दैट दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये सी पेप्टाइड जो होता है मैच्योर इंसुलिन में नहीं होता है, ये लिखा हुआ हमको मिल गया। साथ साथ आपको ये भी मिल गया कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से इनका लिंकेज होता है, तो इस तरह से आपको ये रेफरेंस मिल जा रहा है एनसीईआरटी से, डन बच्चा। अगले क्वेश्चन की ओर देखो, इवन मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आपको दिखाया हो अभी तक जिसमें कि एनसीईआरटी का मैंने पेजेस आपको नहीं रेफर कराया हो।
हर एक क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी के पेज रेफर करा रहा हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल से बिल्कुल प्रूव हो जाए कि एनसीईआरटी हैज 100% ऑफ क्वेश्चंस ऑफ नीट एग्जामिनेशन, दैट इज ऑल ऑफ द क्वेश्चंस केम फ्रॉम एनसीईआरटी। सो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सिक्वेंस आइडेंटिफाइड बाई इंडो न्यूक्लियस टू मेक अ कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस। देख लो स्पेसिफिक पोजिशन है और मेक अ कट, तो यहाँ पे आप देखो एनसीईआरटी में भी यही वर्ड आपको मिल जाएगा, यही वर्ड यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सिक्वेंस। कौन सा सिक्वेंस? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस। ठीक है, तो ये बातें आप समझना बच्चा कि एनसीईआरटी हैज रॉक्ड, बिल्कुल एकदम रॉक कर दिया उसने। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट, एनसीईआरटी इज द बेस्ट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चे कह रहे हैं सर आउट ऑफ द सिलेबस था, तो यहाँ पे देखो विच इज द ओनली एंजाइम एंड दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटलाइज इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स अगर पढ़ा होगा बच्चों ने सही से ध्यान से, तो ये राइट आंसर इसका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जाता, मॉक टेस्ट में कराया है इसको, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एनसीईआरटी से ही पूछा हुआ है, सर बोलोगे कहाँ मिलेगा, देखो एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटालाइज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। 6.5.3 चैप्टर 6 निकाल करके बैठ जाओ, देख जाओ वहां पे ये लाइन आपको फोर्थ या फिफ्थ लाइन में मिल जाएगा। देयर इज अ सिंगल, सिंगल मतलब समझ रहे हो, केवल एक ऐसा ही ये पॉसिबल है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स, क्लियर है, एनसीईआरटी है ना, एकदम मान गए। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे ये सवाल भी बहुत ही इजी था, यहाँ पे बस आपको क्लियर होना चाहिए था कि आपको साइंटिफिक नेम आता है कि नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बियर हॉलो एंड न्यूमैटिक बोन्स, हॉलो एंड न्यूमैटिक बोन्स, तो ये बच्चा इंडिकेट कर रहा है बर्ड्स की तरफ, एप्स की तरफ, हॉलो न्यूमैटिक बोन्स तो बर्ड्स में ही होता है। अब यहाँ देखो ऑर्नियोथानकस, ये आपको प्लेटिपस यानी मैमल में चला गया, तो ये आपको क्या हो जाएगा, गलत, इसमें तो आप नहीं मार सकते, मैमल में तो नहीं जा सकता आंसर। नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन शायद वल्चर को बोलते हैं ना, तो वल्चर इज द बर्ड ऑल्सो, तो ये राइट आंसर चला गया, दैट इज द ग्रेट। हेमिडक्टाइलिस क्या होता है, हाउस लिजार्ड, हाउस लिजार्ड। एंड माइक्रोपस क्या हो गया, कंगारू बच्चा, तो कंगारू विल बी द मैमल, तो यहाँ पे राइट आंसर आपके पास बर्ड का केवल एक है नियोफ्रॉन, तो ये सही आंसर है। ये आपका एनसीईआरटी में डिपिक्टेड विद द डायग्राम ऑल्सो, आप देखे होंगे, तो नियोफ्रॉन को देख लो ये, आप ये देख सकते हो, और यहाँ से ऑर्निथानकस उठा के ऑप्शन बना रहा था, तो ये आप इसमें नहीं फंसते बिकॉज ये मैमल है, बिकॉज ये क्या है, मैमल है। आगे बढ़ते हैं, दिस वाज द क्वेश्चन अगेन फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल किंगडम, तो ये आपको देख सकते हो मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंस, किसमें होता है मेटाजेनेसिस, हेलमिंस में होता है, नहीं गलत हो गया। एकाइनोडर्माट्स आर कॉल्ड ट्राइब, क्या बोला गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट बिल्कुल ठीक है। राउंड वर्म हैज ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ठीक है। कॉम्प्लेट्स आर यूज्ड इन डाइजेशन, नो बच्चा, लोकोमोशन, ये गलत हो गया। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकाइनोडर्म, ये आपका सही है, तो क्या सही हो जाएगा, ए नहीं, ए गलत है, तो ए गलत हो गया, बी सी ई बिल्कुल सही है, बी सी एंड ई आपको क्या है, सही है, डन। रेफरेंस के तौर पे मैं आपको दिखा दूं वो सारे स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको पीछे में मार्क कराया हुआ है, तो आपको मेटाजेनेसिस कहाँ मिलेगा, मेटाजेनेसिस आपको मिल जाएगा निडेरिया में, निडेरिया में आपको मेटाजेनेसिस मिलता है, दैट इज वेल नोन टू यू, अवेलिया उसका एग्जाम्पल था, कराया हुआ है। अगला भी देख लो आप कि कॉम्प्लेट्स का रोल वहां पे दे दिया था, डाइजेशन गलत था, इट वाज कॉम्प्लेट का डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन होता है, नहीं बच्चा इट इज द विच, देखो यहाँ लिखा हुआ विच हेल्प इन लोकोमोशन, किसमें होगा, लोकोमोशन में मदद करता है, तो ये आपको मैंने बताया अभी। इकाइनोडर्माटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोला था, बिल्कुल ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ देख सकते हो, दिस इज द राइट, है ना। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है, ये भी लिखा हुआ था, स्टेटमेंट था, बिल्कुल ये सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ये आपको आ गया क्वेश्चन फोर्थ चैप्टर का, देख लो रिप्रोडक्शन वाला, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दे रखे हैं, और यहाँ पे आपको मैच करना था, तो अगर कुछ भी नहीं आता था तो वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी तो आता होगा, तो वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को रिमूव करते हैं, ट्यूबेक्टोमी में आप फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करते हैं, मिल जाएगा डी का फोर, देखो डी का फोर, व्हाट अ ब्यूटी भाई, एक क्वेश्चन मुझे आता था मान लो अगर, फिर भी मैं चल सकता हूँ, तो थर्ड आंसर सीधा आपको मिल सकता है, सीधा आपको मिल सकता है, अगर आप केवल और केवल जानते हो कि ट्यूबेक्टोमी आपको होता है ना वास ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करने वाला, तो एक ही अगर आपको आता था फिर भी आप आंसर तक पहुंच जा रहे हो, दिस इज द इजिएस्ट ऑफ द इजिएस्ट कह सकते हैं बच्चा। यहाँ पे आप देखो ये फिगर एनसीईआरटी में वासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी का, वासेक्टोमी में आप वास डिफरेंस को टाइड एंड कट करते हैं, ट्यूबेक्टोमी में आप क्या करते हो फेलोपियन ट्यूब को कट टाइड एंड कट करते हो, दिस वाज द राइट।
नेक्स्ट इज यहाँ पे जो पूछा था वॉल्ट और आईओडी के बारे में, तो वॉल्ट आपका क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको यहाँ पे वॉल्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन कहाँ था कहाँ था कहाँ था, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंसर्टेड बाय द नर्सिस, है ना, यहाँ पे वॉल्ट का कंडीशन यहाँ ये तो रहा, बोल्ड लेटर में मिल जाएगा आपको, दीज आर इंसर्टेड इन टू दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस, दे प्रिवेंट द कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म, यही लाइन था। और एक तो क्वेश्चन आपको क्या था, शायद एलएनजी वाला था ना, एक आपको पूछ दिया था आईओडी वाला क्वेश्चन था, तो आईओडी से भी आपको यहाँ रेफर करा देता हूँ मैं, ये देखो आईओडी में लिप्स लुप, ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस नॉन मेडिकेटेड होता है, कॉपर रिलीजिंग होता है, हार्मोन रिलीजिंग होता है, तीन तरह के आईओडीज आपको मैंने क्लियरली बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ये एकदम रिसेंट क्लास है बच्चा, एक दिन पहले नीट का ये मैंने क्लास लिया था स्फिंक्टर ऑफ ओडी पर बेस्ड, दैट इज जंक्शन ऑफ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम, मैंने इस पर तीन तीन स्लाइड खपत किए थे इस केवल स्फिंक्टर ऑफ ओडी को समझाने में। सो गाइज दिस वाज द इजी क्वेश्चन, कहाँ होता है, दैट इज आपको हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम के जंक्शन पे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका मिल जाएगा, ये जो लिखा हुआ है ना हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ये आपको इसी जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, दैट इज स्फिंक्टर ऑफ ओडी, यहाँ पे देखो स्फिंक्टर ऑफ ओडी मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है, लिखा भी है साफ साफ, दैट ओपन्स इनटू द ड्यूटेनम एज अ कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट विच इज गाइडेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ ओडी। अगले क्वेश्चन के लिए आते हैं, चारगाफ रूल पर बेस्ड था, एडिनिन आपको 30% ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बनाता है, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमिन गुआनिन एंड साइटोसिन, तो एडिनिन जितना होगा उतना ही आपको थायमिन होगा, ये तो आप श्योर हो, तो दोनों ले गए आपको 30 और 30 दोनों मिल गए, तो 60 हो गए उधर अकेले। अब हमारे पास 40 बचा जिसको हम बांटेंगे जी और सी में, तो जी और सी हमारा हो जाएगा 20 और 20, तभी तो हो पाएगा बच्चा, तब तो हो जाएगा ना 100। अब यहाँ देखो थायमिन आपको बोल दिया यहाँ पे 30% आपका, गुआनिन और साइटोसिन दोनों यहाँ 20-20 दे रखे हैं, बहुत बढ़िया, तो फोर्थ आंसर आपका मिल जाएगा, चारगाफ रूल का कंसेप्ट यहाँ पे लगा था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चारगाफ रूल का आपको यहाँ पे मैं रेफरेंस दे रहा हूँ एनसीईआरटी से, यू कैन सी दिस रेफरेंस एज वेल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अरविंद चारगाफ, डेट फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए लागू होता है उनके लिए केवल, दैट इज एडिनिन एंड थायमिन का रेशियो एंड गुआनिन एंड साइटोसिन का रेशियो आर कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू 1, तो ये राइट आपका चारगाफ रूल से सवाल आ गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ब्लर्ड है, आप यहाँ पे थोड़ा सा कष्ट करें, देखें ध्यान दीजिए, मेटामेरिज्म किस में पाया जाएगा, मेटामेरिज्म आपको एनालिट्स में पाया जाएगा, तो ऑप्शन ए ये हो गया। कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में मिलता है, आपको बताए थे वस्कुलर सिस्टम से कन्फ्यूज मत होना, वस्कुलर आपको एकाइनोडर्म्स में मिलता है, कैनाल आपको मिलता है पॉरीफेरा में। कॉम्प्लेक्स आपको पता है टीनोफोरा हो गया, निडोब्लास्ट एंड सिलेंट्रेटा, तो इसका चला गया डी और टीनोफोरा का चला गया सी। चलो ये आप लगा लो, आप यहाँ देख लो ए का जाएगा थर्ड, ए का थर्ड आपका फर्स्ट में है और फोर्थ में है। चलो आगे बढ़ जाओ, बी का जाएगा क्या, बी का जाएगा फोर्थ, तो बी का फोर आपको फिर से यहाँ पे ये मिला, दोनों में सेम, फिर भी आगे बढ़ेंगे तो कॉम्प्लेट हमको पता है कि टीनोफोरा में होता है, दैट इज सी का हो जाएगा टू, तो सी का टू यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, जिन लोगों ने भी लगाया है वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द पॉरीफेरा, एंड पॉरीफेरा में आपको समझाया था मैंने कैनाल सिस्टम के बारे में, तो ये आप यहाँ देखो कैनाल सिस्टम ये लिखा हुआ है, कैनाल सिस्टम इन केस ऑफ पॉरीफेरा हो गया। अब आ जाओ टीनोफोरा में, सबूत आपको मैं दे रहा हूँ, हर चीज का सबूत आपको मिलेगा एनसीईआरटी से, कैसे पिक्ड अप है क्वेश्चन, कैसे पिक्ड अप है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे टीनोफोरा में आप देख लो, टीनोफोरा में कॉम्प्लेट्स ये आपको मिल जाएगा, दिस वॉज द राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट्स ऑल, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रीन, तो काफी बच्चे यहाँ कंफ्यूज हुए होंगे थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बिन में, तो यहाँ पे राइट आंसर थ्रोम्बिन होगा, ये आपको एक दिन पहले कराया हुआ सेशन है, यहाँ देखो डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि आपका जो कन्वर्जन है फाइब्रिनोजेन का फाइब्रीन में, दैट इज फाइब्रीन आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन, लिखा है कि नहीं, दैट इज थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन इन टर्न फॉर्म्ड फ्रॉम यस इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन से बनता है थ्रोम्बिन, और ये जो रिएक्शन है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने का उसको कौन एक्टिवेट करता है, उसको एक्टिवेट करता है थ्रोम्बोकाइनेज, याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन क्रॉप, तो बायोफोर्टिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है,
बायोफोर्टिफिकेशन आपके पूरा का पूरा, ये तीनों ऑप्शन वहां पर जो जो इसका फंक्शन होता है ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन उसमें इंप्रूव रेजिस्टेंस टू डिजीज नहीं होता है। डिजीज का रेजिस्टेंस आखिर हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन में क्यों करेंगे? बायोफोर्टिफिकेशन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल कंटेंट का इंप्रूवमेंट करते हैं, प्रोटीन कंटेंट का इंप्रूवमेंट करते हैं, विटामिन के इंप्रूवमेंट पर ध्यान देते हैं। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे, कि बायोफोर्टिफिकेशन में आपका क्या प्रोटीन क्वांटिटी को आप इन्हांस करोगे, वाइल एन क्वांटिटी को, विटामिन के माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल क्वांटिटी को, ये डायरेक्ट यहाँ पे इस तीन चार ऑप्शन को ऑप्शन बना करके डाल दिया गया, जिसमें कि वाइल कंटेंट एंड क्वालिटी को हटा दिया और वहां लिख दिया आपको डिजीज के बारे में। ठीक है, तो आप लोग फंस गए, ये तीन चार जो है ऑप्शन बना दिए गए, इसी चारों को ऑप्शन वहां बना करके दे दिया गया आपके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, डॉप्शन यूनिट, डॉप्शन यूनिट सबने किया होगा, ओजोन के लिए मेजर होता है ये। ठीक है, दैट मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन, एनसीईआरटी में ये आपका मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 16 में चले जाइएगा तो आपको ये डॉप्शन यूनिट यहाँ मिल जाएगा। डॉप्शन यूनिट, इट इज अ हेल्पफुल इन मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ओजोन। ठीक है, थिकनेस ऑफ ओजोन समझ आ रहा है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट पिकअप है बच्चा, एनसीईआरटी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, बार बार कराया है, इवन मैंने मॉक टेस्ट में भी कई बार कराया है कि LNG-20 जो होता है वो हार्मोन रिलीजिंग आयोडी होता है। ये देखो इस पैरा से आपने अभी तक तीन चार क्वेश्चन देख लिए हैं, हार्मोन रिलीजिंग आपका देख लो यहाँ पे लिखा हुआ आयोडी, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। बात समझ में आ रही है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके लिए मैंने आपको अभी तक एनसीईआरटी का रेफरेंस नहीं दिया हो। द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन, बहुत ही आसान सवाल है एस फेज, जब इस तरह के क्वेश्चन मैं मॉक टेस्ट में कराता था आप बच्चे ये बार बार मुझे कहते थे कि सर इस तरह के लेवल मत कराइए, थोड़ा और बढ़ाइए, लेवल बढ़ाइए, एक वन लाइनर का क्वेश्चन कैसे आ सकता है एनसीईआरटी में, ये सब क्या आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो जब मैं आपको ये सब चीजें बताता था कराता था तो आप लोग उसे हल्के में लेते थे बच्चा, और यही क्वेश्चन अभी आपके सामने आ रहा है। आपको उस समय ध्यान देना चाहिए था, मॉक टेस्ट मेरे पांचों के पांचों आखिर वाले बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। एस फेज में देखो लिखा हुआ है साफ साफ कि सेंट्रियोल का भी यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है, ये देख लो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन एस फेज के दौरान होता है, डीएनए रेप्लिकेशन तो होता ही है और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होता है। ये सवाल आपको लगा होगा थोड़ा सा टफ, लेकिन यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो कि ऑप्शन ही ऐसा बना दिया कि आप इजिली siRNA को लगा सकते हो, नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सिंथेसिस में आपको पता है कि mRNA, tRNA, RNA सब लगते हैं, siRNA साइलेंसिंग RNA ये आपको गलत था। ठीक है, ये आपको ऑब्वियसली बिल्कुल भी एकदम सूट नहीं कर रहा है इस ऑप्शन में, तो ये एकदम से आप इसको टिक आउट कर सकते थे, बाहर कर सकते थे। यहाँ पे आपका देख लो tRNA सब कुछ मिल जाएगा, rRNA मिल जाएगा, mRNA मिल जाएगा, लेकिन आपको siRNA कभी हमने यहाँ पर इस टर्म को यूज ही नहीं किया था ड्यूरिंग दैट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो बच्चा दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन, अगले सवाल के लिए आ जाओ। सिकल सेल एनीमिया कैसा होता है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है, अगर याद होता आपको तो आराम से कर सकते हो। तो हेटरोजाइगस दोनों के दोनों थे, तो ऐसे हमारा हेटरोजाइगस ऐसे लिख देंगे दोनों के दोनों। और अब हमारे पास सवाल उठता है कि प्रोजेनी में कितने परसेंट पे आएंगे, तो प्रोजेनी कौन कौन सा बनेगा? प्रोजेनी हमारा बन सकता है ए ए, प्रोजेनी हमारा बन सकता है ए स्मॉल ए, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए, और एक बन सकता है ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो यही आपको डिजीज कंडीशन केवल होगा, क्योंकि ये ऑटोसोमल रेसेसिव है, तो ये आपको केवल और केवल 1 out of 4 यानी 25% बच्चों में ही मिलेगा। ये पता होता सिकल सेल एनीमिया आपको ऑटोसोमल रेसेसिव है तो आप कर जाते इस क्वेश्चन को, और मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको PYQs में भी लगा रखा है, ऑटोसोमल रेसेसिव टाइप ऑफ डिसऑर्डर होता है सिकल सेल एनीमिया। ये देखो क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था, सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो आपको फेवरेबल पूछा है, मैंने आपको अनफेवरेबल के ट्रिक से याद करवाया था, याद करो राइट कैडेट। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना क्या होता है? अनफेवरेबल होता है, तो यहाँ पे कम हो जाना फेवरेबल होगा। ठीक है, आपको बताए थे कि एसिडिक हो जाएगा तो अनफेवरेबल हो जाएगा, तो एसिडिक ना होना यानी लेस एच प्लस होना फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है, PO2 का बढ़ जाना ये भी आपका फेवरेबल है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अनफेवरेबल होता है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये आपका फेवरेबल हो जाएगा। तो राइट कैडेट वाले मेरे जो आपका ट्रिक दिया हुआ था वो आराम से आप उससे कर सकते थे ये क्वेश्चन। तो गाइज यहाँ पे इसको एनसीईआरटी से अगर रेफर करना चाहो तो ये देख सकते हो, साफ तौर पे लिखा है कि फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सा होता है, तो हाई PO2, लो PCO2, लेसर एच प्लस कंसेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर, डायरेक्टली ये पिक्ड अप सवाल है, कॉपी एंड पेस्ट, एनसीईआरटी इज द बेस्ट, बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखो यहाँ पे, ये भी बहुत ईजी था, तो यहाँ पे देखो एलेंस रूल आपको पता है पोलर सील वगैरह में मिलेगा, ठीक है, ठंडे इलाकों में। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन आपको देखने मिलेगा कंगारू रैट में, ठीक है, कंगारू रैट में। बिहेवियरल एडेप्टेशन आपको मिल जाएगा डेजर्ट के लिए, डेजर्ट लिजार्ड में।
ठीक है। और बायोकेमिकल अडेप्टेशन आपको मिल जाएगा मरीन फिश एट डेप्थ में। तो ये आपको सवाल था, इट वॉज इजी, फोर्थ ऑप्शन इसका जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, रेफर करा देता हूं मैं आपको, एडेप्टेशन फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन पर बेस्ड आया था। तो ये आप देख सकते हो कंगारू रेट वाला, ये क्वेश्चन कंगारू रेट वाला ये आपका रहा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एलेंस रूल पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, एलेंस रूल पे देख लो, एलेंस रूल कहाँ लगता है बच्चा, तो इट इज मेनली टू दैट सील वाला, डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ था सील, है ना। इट इज द कोल्डर क्लाइमेट्स मैमल, जो कोल्डर क्लाइमेट्स आते हैं उनके जनरली शॉर्टर ईयर एंड लिम्स होते हैं, ये मिनिमाइज करता है हीट लॉस उनका। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो जल्दी से। एडेप्टिव रेडिएशन किसमें देखने मिलेगा, बहुत ही ईजी है, डार्विन फिंचेज, तो ये देखो फोर्थ। अब ये अगर केवल पता था आपको डायरेक्ट आप ऑप्शन थर्ड पे पहुंच सकते हो, देखो केवल एक आपको पता होने पे डायरेक्ट आप थर्ड ऑप्शन पे पहुंच सकते हो, बाकी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक, एकदम कुछ नहीं पता आपको फिर भी आप कर सकते थे, ठीक है। तो फिर भी अगर बात देख लेते हैं कि कन्वर्जेंट का क्या जाएगा आंसर, तो कन्वर्जेंट का जाएगा विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, डाइवर्जेंट का क्या जाएगा गाइस, तो विंग्स ऑफ फोर लिम्स, बोन्स ऑफ फोर लिम्स इन द मैन एंड वेल, ये आपको चला जाएगा डाइवर्जेंट का। और एंथ्रोपोजेनिक का चल जाएगा सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ये ऑप्शन डी चला जाएगा। राइट आंसर इसका थर्ड हो गया, बिल्कुल ठीक है। रेफरेंस अगर लेना चाहोगे तो मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा एनसीईआरटी से आपको, आज मैं सिद्ध कर रहा हूँ कि एडेप्टिव रेडिएशन पे सवाल था, डार्विन फिंचेज का ऑप्शन था, था कि नहीं था बोलो, साफ साफ देख सकते हो। अच्छा ये आपको ये भी दिखा देते हैं, ये भी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, होमोलोगस एनालोगस वाला, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, देखो डाइवर्जेंट बोलते हैं आपको क्या, होमोलोगस को, एग्जाम्पल भी आपका यहाँ दिया हुआ है। अच्छा ये अगले पेज में था क्या, अगले पेज में नहीं नहीं यहाँ ही यहीं यहीं मिल जाएगा, हाँ देखो यही मिल जाएगा आपको, देखो फोर लिम्ब ऑफ क्या था, फोन बोन ऑफ फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन एंड वेल्स, देख सकते हो यही था ना क्वेश्चन, साफ साफ यही मिल जाएगा एनसीईआरटी में, सब चीज मिल जाएगा, डोंट वरी बच्चा, एवरीथिंग इज फ्रॉम एनसीईआरटी। यस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पूछा था, क्या दिया था ऑप्शन, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन दिया था, याद नहीं आ रहा सर, भूल गया, देखो ना देखो देखो, विंग्स ऑफ क्या है, बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, सो डोंट वरी, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स यहाँ पे हम हाईलाइट करा देते हैं, ये देखो क्या समझ आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात, डन बच्चा लोग, रेफरेंस ले ले रहे हैं एनसीईआरटी से, इसलिए मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी इज द गीता कुरान बाइबल, यू हैव टू रेफर इट, यू हैव मस्ट आपको करना ही पड़ेगा। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन, तो इनिशिएशन जब पार्चुरेशन का होता है तो इसमें से कौन सा उसका उसके क्रम का ये नहीं है, उसका कंपोनेंट नहीं है, तो रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन ये उसके पार्ट में नहीं आता, प्रोलैक्टिन तो बाद में रिलीज होगा मिल्क सिक्रीशन के लिए। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो बिल्कुल ठीक है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीटोसिन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये आप देख सकते हो पार्चुरेशन का पैराग्राफ, यहाँ से सवाल आया था, ये देख सकते हो कि आपका फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है, इट विल ऑरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फिटस एंड प्लेसेंटा, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होगा ये भी लिखा हुआ है ना, और ऑक्सीटोसिन के साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन का भी सिक्रीशन होता है, आई हैव टोल्ड यू इन द क्लासेस एज वेल, एंड वन ऑफ द स्टेटमेंट यहाँ पे और छूट रहा है कुछ क्या, चलो हो गया, यहाँ पे आपको प्रोलैक्टिन नहीं मिलेगा, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन लेटर ऑन मिलेगा लैक्टेशन टाइम, ठीक है, ये गलत था ऑप्शन। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग, तो हिस्टोन के लिए बच्चा डीएनए का कैसा होता है बताओ, तो डीएनए का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है ना, तो हिस्टोन का नेचर कैसा होगा, यही चीज मैंने आपको क्लास में इसी तरह बताया था, तो हिस्टोन जो होगा वो इसका नेचर इसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए डीएनए का, दैट मीन्स इसका नेचर बेसिक होगा, और यहाँ क्या बोल रहा है आपको, एसिडिक बोल रहा है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट, क्योंकि पूछा था इनकरेक्ट, क्या पूछा था इनकरेक्ट, देखो यहाँ पे हिस्टोन वाला ऑप्शन मैं आपको यहाँ रेफर करा देता हूँ, तो हिस्टोन के लिए यहाँ साफ तौर पे लिखा हुआ है, इट इज बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू होते हैं, कौन सा, लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, इसीलिए इसका क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पे, डन। सो ये क्वेश्चन थोड़ा और टफ बनाना चाहिए था लाइसिन आर्जिनिन का नाम दे करके, चलो कोई बात नहीं है। ये देखो ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन इसमें से कौन सा इवेंट अकर होता है, एच जोन क्या पूरा का पूरा डिसअपियर हो गया, ठीक है, एच जोन पता है क्या होता है आपको, ये देखो ये रीजन आपको कहलाता है एच जोन, जो आपको ओवरलैप्ड नहीं होता है, जब ओवरलैप्ड नहीं होता उसके हिसाब से अगर हम बनाना चाहेंगे तो हमें फिर से यहाँ पे
इसे करेक्ट करना पड़ेगा। इसको मैं दिखाता हूँ आपको ठीक करके, रुको। एच जोन क्या होता है, मैंने आपको ये एकदम एक दिन पहले शायद बताया था, एक दिन पहले का क्वेश्चन ये है, एक दिन पहले, ये पोर्शन आपको एच जोन कहलाएगा जो ओवरलैप नहीं है। एच जोन का पूरा क्या हो जाता है, डिसअपियरेंस हो जाता है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को पढ़ो, अगला ऑप्शन, एच बैंड, ए बैंड क्या हो जाएगा, वाइडन, ए बैंड पे कोई असर ही नहीं होता। आई बैंड रिड्यूस इन वेट, ये सही है। मायोसिन हाइड्रोलाइजेज एटीपी, रिलीजिंग एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये भी क्या है बच्चा, सही है, बिल्कुल सही है। जेड लाइन अटैच टू द एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ आएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना तो अंदर की तरफ आएगा, ये भी सही है। तो आपके सारे ऑप्शन सही थे, केवल आपका जो है सेकेंड ऑप्शन क्या था, गलत था, बी ऑप्शन गलत था। बी अगर गलत है, देखो सब में बी है, आपका केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी नहीं है, ऑप्शन टू, ये आपको सही जाएगा ऑप्शन टू। यहाँ पे ये लाइन एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको कि ये ए बैंड रिमेन द सेम, रिटेन्स देयर लेंथ एंड आई बैंड गेट रिड्यूस्ड, कॉन्ट्रैक्शन में लिखा हुआ आई बैंड आपका रिड्यूस हो जाएगा। ये भी लिखा होगा कि मायोसिन विल बी रिलीजिंग एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना, बिल्कुल इस तीन लाइन से ये सवाल बना दिया गया, बिल्कुल ये तीनों लाइन से केवल सवाल बना दिया गया है। इसका अभी डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया था, है ना, ये एच जोन मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया, एच जोन का पूरा देखो यहाँ पे गायब हो जाता है, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा तो एच जोन दिखेगा भी नहीं आपको, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको कराया हुआ है क्लास में, बिल्कुल डिटेल से कराया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से पूछ दिया है, बहुत ईजी। स्कैपुला, स्कैपुला क्या होगा, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, यहाँ पे स्कैपुला होता है पीछे की तरफ, यू नो, ये एकदम एक दिन पहले का क्लास है ना, अगर जिन लोगों ने भी किया होगा आपको याद होगा, एक दिन पहले का क्लास है। क्रैनियम का क्या होता है, फाइब्रस ज्वाइंट होता है, इमूवेबल ज्वाइंट होता है। स्टर्नम क्या हो जाएगा, फ्लैट बोन हो जाएगा। वर्टिब्रल कॉलम के लिए कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ये वाला बिल्कुल मैचिंग तो मैं नहीं कहूंगा पूरा का पूरा मॉक टेस्ट में, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलेजिनस ज्वाइंट ये आपको आया हुआ है, मॉक टेस्ट में कराया हुआ है, सो ये बहुत ही अच्छा है, मॉक टेस्ट लगाओ मेरा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आप वहां से बहुत कुछ अच्छे से सीख पाते हो। स्कैपुला लिखा हुआ है, लार्ज ट्रायंगुलर टाइप ऑफ फ्लैट बोन होता है, ये देख सकते हो गाइज यहाँ पे लिखा भी है। फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जांपल आपको मिल जाएगा, फाइब्रस ज्वाइंट दैट इज इमूवेबल ज्वाइंट क्रैनियम में होता है, यहाँ से सवाल आ गया था। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट ये भी क्वेश्चन था, वर्टिब्रल कॉलम वाला एकदम से आप देख सकते हो, एनसीईआरटी में रेफर करा रहा हूँ बच्चा लोग, इवन बहुत मेहनत लगा है यहाँ पे, मैंने एनसीईआरटी के रेफरेंस को लाने के लिए बहुत मेहनत किया है, एक बार सेशन को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगला देखो, स्टर्नम आपके लिए फ्लैट बोन, ये भी सवाल आ गया था, स्टर्नम फ्लैट बोन, है ना, तो सारे के सारे एनसीईआरटी से ही हैं, तो आप बच्चों को ध्यान देना, आगे से एनसीईआरटी को पकड़ के रखना है। एसर्शन क्या है, ए पर्सन गोज टू हाई अल्टीट्यूड एक्सपीरियंसेस अल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है, विद सिम्टम लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पाल्पिटेशन। चलो आगे रीजन पढ़ो, ड्यू टू लो एटमोस्फेरिक प्रेशर एट हाई अल्टीट्यूड बॉडी डज नॉट गेट सफिशियंट ऑक्सीजन, क्या ये दोनों ही सही है, बिल्कुल दोनों ही सही है, एंड क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बिल्कुल भी है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन चला जाएगा, एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो ये बच्चा लोग काफी कंफ्यूज होंगे, करेक्ट है कि नहीं है, एसर्शन उसका एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, चलो फिर भी बहुत बच्चे लोगों ने आइडियली सही भी किया होगा। ये देख सकते हो एल्टीट्यूड सिकनेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि यहाँ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसके वजह से आपका मस्कुलर फैटिक जो है, नोजिया, फैटिक, हार्ट पाल्पेशंस जो होता है, क्या हो जाता है, ऐसे चीजें देखने मिलती है, राइट, वहां पे एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इस वजह से होता है, रीजन आपके पास एनसीईआरटी में यही दिया हुआ था, तो रीजन भी सही थे, असर्शन भी सही थे। नेक्स्ट इज एडिनोसाइन डीअमिनेज डेफिशिएंसी, काफी बच्चों को लगता है ये काफी आउट ऑफ द पोर्शन क्वेश्चन है, बट आप एक बार ऑप्शंस के गो थ्रू होकर के देखो, आपको पता चल जाएगा कि कोई भी ऑप्शंस का सूट ही नहीं है इसमें, केवल एक इम्यून सिस्टम का डिसफंक्शन होना, एडिनोसाइन डीअमिनेज डेफिशिएंसी, यस बच्चा, तो यहाँ पे क्या होता है, डिसफंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, यहाँ पे एनसीईआरटी का रेफरेंस बच्चा देख लो, एडिनोसाइन डीएफिशिएंसी डीअमिनेज, चार साल की बच्ची याद आ रहा है, जीन थेरेपी जिसको दिया था आपने, ठीक है, तो वहां पे ये सवाल आया था, एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से हम लोग ये क्योर कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल एडीए, है ना, यहाँ पे आप क्या करते हो, इज इंट्रोड्यूस्ड विद दीज लिम्फोसाइट्स विच आर सब लिम्फोसाइट्स, जहां आ गया तो आप बात करोगे किसका, इम्यूनिटी का ही बात करोगे ना, इम्यूनिटी का ही बात करोगे,
तो ये सवाल आपको डायरेक्टली पूछा हुआ था, डायरेक्टली कह सकते हैं, डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली जरूर है। अगला सवाल है एमओईटी पर बेस्ड है, एमओईटी का स्टेप कौन सा नहीं है इसमें से, नॉट एन स्टेप। तो क्या बताओ मुझे यहाँ पे, हार्मोन हम लोग एलएच देते हैं या एफएसएच देते हैं, बस इतना ही मुझे बता दो, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। काव इज एडमिनिस्टर्ड विद द हार्मोन एफएसएच ना, एलएच थोड़ी होगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, मल्टीपल ओव्यूलेशन कराना चाहते हैं, तो राइट आंसर एफएसएच हो गया। देख लो यहाँ पे एनसीईआरटी में एफएसएच बिल्कुल लिखा हुआ है साफ ढंग से, एफएसएच लाइक एक्टिविटी, हार्मोन विल बी गिवन लाइक एफएसएच लाइक एक्टिविटी। यहाँ पे क्या कर दिया इसको, उसी स्टेटमेंट को यहाँ लिख करके बस आपको क्या कर दिया, खेल दिया गया आपसे एलएच लाइक एक्टिविटी लिख करके। सेम है, बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट है, बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट है, बट आपको यहाँ पे एलएच की जगह क्या करना था, एफएसएच करना था, बाकी सब कुछ स्टेटमेंट सही था। अगला सवाल देखो यहाँ पे, अगला सवाल देखो, इसमें आपको बताना है मैच करना है। मैचिंग में आपको बार बार बोलता हूँ बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि एक भी अगर आता है तो यू कैन गो थ्रू द राइट आंसर। फिलियरेसिस हम लोग को पता है, यूक्रेडिया ब्रैनक्रॉफ्टी बिल्कुल सही है, एक हमको आता है कि मान लो हमको एक ही आता है, एक का थर्ड आता है केवल, तो एक का थर्ड में देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज द राइट आंसर। बाकी क्या अगर पता भी नहीं है आपको तो आराम से लगा सकते हो, फिलहाल वैसे हम लोग नहीं करेंगे, देख लेते हैं आगे का भी। एंटाइमिबा हिस्टोलेटिका चला जाएगा, अमीबियासिस का निमोनिया चला जाएगा, हेमोफिलिजा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, एंड अगला जो रिंग वॉर्म है वो ट्राइकोफाइटोन चला जाएगा। एनसीईआरटी रेफरेंस ले लेते हैं बालक, एनसीईआरटी रेफरेंस देख लो यहाँ से मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी का रेफरेंस। अमीबियासिस पूछा हुआ था, एंटा अमीबा हिस्टोलेटिका आपको आपको पूछा था, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी निमोनिया यहाँ पे देख सकते हो। आई एम गिविंग यू ईच एंड एवरी रेफरेंस ताकि आप समझ सकेंगे महिमा ऑफ एनसीईआरटी। एलिफेंटियासिस, यूक्रेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी एंड यूक्रेरिया मलाई, फिलियरेसिस भी बोलते हैं इसको, यही था ना सवाल। अच्छा रिंग वार्म पे भी था, रिंग वार्म का भी रेफरेंस ले ही लो, ट्राइकोफाइटोन पूछा था रिंग वार्म में, माइक्रोस्पोरम भी होता है, एपिडर्मोफाइटोन भी होता है, ये तीनों ही आपको कराए थे। एम ई टी याद करना, ऐसे याद कराने सिखाए थे, एम ई टी मैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट रेफर्स टू लिपिड्स, इसमें से आपको लिपिड्स के स्टेटमेंट दिए हुए हैं, क्या करना है बच्चा, करेक्ट आंसर चूज आउट करना है। तो लिपिड हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, क्या उसे हम सिंगल बॉन्ड को अनसेचुरेटेड बोल देंगे, तो उससे सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है उसको सैचुरेटेड बोलते हैं, अनसेचुरेटेड नहीं, ये गलत हो गया। लेसिथिन इज फॉस्फोलिपिड, ये सही है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बिल्कुल सही है भैया, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ऐसे बनाते ही हो आप, ग्लिसरॉल का यही आपका फॉर्मूला है, ऑर्गेनिक अगर तगड़ा होगा तो आप आराम से जानते हो, यही तो है, इसी को बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ग्लिसरॉल ही तो है। पामिटिक एसिड बोला 20 कार्बन एटम का होता है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल को इंक्लूड कर दिया तब आपको यहाँ पे, फिर भी पामेटिक तो 20 होगा ही नहीं, राइट। चलो तो ये गलत हो गया, 16 होना चाहिए पामेटिक में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेफरेंस बालक, रेफरेंस देखो पामेटिक में 16 बोला है कि नहीं। आर्किडियोनिक का वो आंसर था, 20 जो लिखा हुआ था ना वो आर्किडियोनिक का था, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, ठीक है। यहाँ से सवाल आपके उठे थे, ग्लिसरॉल इज कॉल्ड ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये आया था आपको सवाल, है ना, ये आया था। डबल बॉन्ड होगा तो आपको क्या कहेंगे, अनसेचुरेशन कहेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और लेसिथिन जो होता है वो आपको, लेसिथिन वाला फिगर में मिल जाएगा आपको, ठीक है, फिगर दिया हुआ है उसका, लेसिथिन वाले का, फॉस्फोलिपिड वाले का। चलो यहाँ से देखो, अर्थवाम पे सवाल है, प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवाम, अर्थवाम मैंने ब्रॉड क्लास जब लिया था, डिटेल क्लास लिया था, तो वहाँ अर्थवाम मैंने पढ़ाया था, मिस नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था क्योंकि क्वेश्चन अर्थवाम से आता है, बोल तो दिया है सिलेबस में नहीं है फिर भी आ जाता है, तो इसलिए कराया था मैंने। अर्थवाम के लिए, प्रोस्टोमियम के लिए आपको पता है, इट सर्व्स एज अ कवरिंग फॉर माउथ, ये सही है। हेल्प्स इन ओपनिंग द क्रैक इन टू द सॉइल, ये भी आपको क्या सही है। सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, ये सही है। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट होता है, फर्स्ट बॉडी क्या लिखा है, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट बॉडी सेगमेंट नहीं होगा, इट इज फर्स्ट बॉडी सेगमेंट आपका प्रोस्टोमियम बोला ना, प्रोस्टोमियम का सेंसरी फंक्शन फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, हाँ फर्स्ट बॉडी सेगमेंट वो बिल्कुल। ये फिर ऑप्शंस में क्यों नहीं दिया आपको, डी ए बी सी डी आर करेक्ट, ए बी सी डी आर करेक्ट, सेंसरी स्ट्रक्चर, ये आपको शायद यहाँ पे ये रॉन्ग मार्क्ड है बच्चा, आप इसको ये सही कर लेना, फोर्थ नंबर होगा इसका, ठीक है, इसका फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि कवरिंग ऑफ माउथ भी है, देख लेते हैं। क्रैकिंग इन द क्वाइल, क्राउल करने में जो क्रैक करता है वो भी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोस्टोमियम क्या है, सेंसरी फंक्शन हो गया, है ना, वेज टू फोर्स आउट ओपन क्रैक इन टू द स्वेल, ये भी है सही है ना।
एंड फर्स्ट सेगमेंट भी है, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट भी है, डन। ये चीजें हैं, कवरिंग फॉर माउथ भी होता है, तो यही तीन लाइन में तीनों का तीनों सही है, राइट आंसर तब आने की फोर्थ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सुधार लीजिएगा, इसका राइट आंसर फोर्थ जाएगा, ए बी सी डी। अगला देखो यहाँ मुन्ना, अगला सवाल पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट हार्मोन रिलैक्सिंग एंड ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, तो रिलैक्सिंग प्रोड्यूस करेगा कौन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, ये तो आपको एकदम से इंडिकेट कर रहा आंसर। लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में आपका कॉर्पस ल्यूटियम विल बी प्रोड्यूसिंग रिलैक्सिंग हार्मोन। एनसीईआरटी में ये लाइन है, बट डायरेक्ट तो नहीं है, बट इनडायरेक्ट है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन रिलैक्सिंग इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाई ओवेरी लिखा है, ओवेरी लिखा है, तो कॉर्पस ल्यूटियम ही रहेगा ना, कॉर्पस ल्यूटियम ही रहेगा। अगला सवाल, कोड यहाँ पे लिखना चाहिए था कोडॉन, ठीक है, कोडॉन है ये, कोडॉन ए यू जी कोड्स फॉर मिथियोनिन एंड फिनाइल एलानिन, क्या ये दोनों के लिए कोड करता है। अगला है क्या कि ए ए ए और ए ए जी विल बी कोडिंग फॉर अमीनो एसिड लाइसिन, ये आपको सही है, ऑप्शन टू इज राइट एंड ऑप्शन वन इज इनकरेक्ट। ये स्लाइटली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो एनसीईआरटी सही, लेकिन टेबल याद नहीं होता है बहुत बच्चों को, ये वाले टेबल पर आंसर क्वेश्चन आ गया, असल में ये वाले पर आ गया। देखो यहाँ पे ए यू जी आपको कोड्स फॉर मिथियोनिन ये था, और इस टेबल से आपको पूछ दिया गया था, लाइसिन वाला यहाँ से पूछ दिया गया था, ए ए ए और ए ए जी यहाँ से पूछ दिया, तो ये टेबल भी बहुत बच्चे याद कर लेते हैं, हजम कर लेते हैं, कुछ कुछ तो याद कर ही लेते हैं, है ना। लेकिन फिलहाल इस सवाल का जवाब यहाँ से देना बिल्कुल थोड़ा टफ तो था, ये कह सकते हैं कि यहाँ से देना नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं देना चाहिए था यहाँ से, लेकिन क्या कर सकते हैं, फिर भी ये टेबल आपको पढ़ना है, याद करना होगा, थोड़ा बहुत कुछ कुछ याद कर लेना, कम से कम लाइसिन वाला तो याद कर लेना, रिपीट हो गया तो फिर प्रॉब्लम में ना फंसो। अगले क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प्स टू स्टॉप लीकेज, स्टॉप लीकेज कौन करेगा, टाइट जंक्शन, और कम्युनिकेट कौन कराएगा, गैप जंक्शन, तो टाइट एंड गैप जंक्शन रेस्पेक्टिवली ऑप्शन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है, याद करो, याद करवाए थे टी ए जी टैग, टाइट जंक्शन, एडेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन, बिल्कुल ऐसे याद करवाए थे आप। यहाँ पे आप देखो, टाइट जंक्शन क्या हो जाएगा, हेल्प्स टू स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, गैप जंक्शन में लिखा हुआ है कम्युनिकेट कराता है, गैप जंक्शन क्या कराएगा, कम्युनिकेट कराएगा, बहुत बार कराया हुआ। सो गाइज, वी हैव ऑल डन द क्वेश्चंस डिस्कशन ऑफ जूलॉजी एज वेल, हमारा जूलॉजी का भी सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है आपने से, तो इवन हमने यहाँ पे बॉटनी का भी कोई पेपर डिस्कस कर लिया, अगर नहीं देखे हो फर्स्ट पार्ट तो फर्स्ट पार्ट बॉटनी का भी देख लेना। सो गाइज, यू हैव टू फॉलो अस राइट, आप ज्वाइन भी कर लीजिए टेलीग्राम, अपडेटेड रहिए, सारे क्लासेस टेलीग्राम पे शेयर कर दिए जाएंगे, लगा दिए जाएंगे, आप बच्चों को बेल आइकन प्रेस कर लेना है ओजोन क्लासेस का, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और मुझे फॉलो कर लेना, आपको इंस्टाग्राम पे मैं मिल जाऊंगा sushil_kumarmishra के नाम से। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड होपफुली यू हैव डन वेरी वेल, इट इज़ आवर ब्लेसिंग्स टू यू, और अच्छे से आपको अच्छा कॉलेज मिले। एंड गाइज, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको देख करके कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक लाइन जरूर कमेंट में लिखिएगा, एनसीईआरटी का आशीर्वाद लगेगा आप सबको, दैट कॉपी एंड पेस्ट एनसीईआरटी इज द बेस्ट। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, मिलते हैं आगे के सेशंस में।